जैसा कि क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा है, जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी रिजिड बॉडी पे, अभी रिजिड बॉडी कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, रिजिड बॉडी वैसा बॉडी होता है जिसे अगर आप मोशन दे दो तो मोशन के दौरान, मोशन के टाइम पर, मोशन होते वक्त इसकी जो शेप और साइज होनी चाहिए ये फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स लगाने पर, जब भी आप किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो उसकी मोशन में चेंज लाता है। जैसे कि मैं एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आना चाहता हूँ, जैसे कि एक डायग्राम आप यहाँ पर देखो, जैसे आपके पास अगर मान लो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा पत्थर का जो ब्लॉक है कुछ इस तरह से है आपके पास, एंड आप इसको पुश कर रहे हो, है ना, आप इस रॉक को पुश कर रहे हो, तो आपको भी पता है दैट ये रॉक जो है रिजिड है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है ये रॉक। तो रिजिड बॉडी होने की वजह से आप जनरली इस फोर्स के द्वारा, इस फोर्स को लगाने पर आप इसकी शेप और साइज नहीं बदल सकते, आप इसके मोशन में चेंज ला सकते हो। ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग किसी नॉन रिजिड बॉडी पे, नॉन रिजिड बॉडी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी बॉडी को मोशन देते हो, चलाते हो, तो उसकी शेप और साइज में चेंज आती है, ठीक है। तो नॉन रिजिड बॉडी कहने का मतलब, सपोज मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर के आ रहा हूं यहां पर, जैसे कि आप यहां पर देखो दैट आपके पास एक ऐसा रबर का बैंड है, मैं इसे साइड ले जाता हूं, आपके पास ऐसा एक रबर का बैंड है, ठीक है। तो इस रबर के बैंड को अगर आप पुल करते हो तो इस रबर के बैंड को पुल करने पर इसके शेप और साइज में चेंज आप देख रहे हो, है ना, एक्सटेंड हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हो गया है ये, तो यहाँ पर शेप जो है इसकी स्ट्रेच हो गई। तो ये जनरली एक तरह से नॉन रिजिड बॉडी के शेप का था, और इसे खींचने पर, कुछ हल्का सा भी फोर्स लगाकर खींचने पर ये स्ट्रेच हो जाता है, इसकी शेप और साइज जो है वो बदल जाती है। ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर नाइन्थ क्लास की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में थोड़ा सा रिविजन जो है वो पिछले क्लास के अकॉर्डिंग हो जाए। अभी तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, हम लोग नोट्स भी लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी तक ये बताया है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, ये पॉइंट्स आपको भी नोट करते हुए चलना है मेरे साथ, दैट फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, जब भी किसी रिजिड बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, It can cause change in motion. ठीक है, अगर रेस्ट पे तो मोशन में ला देगा, हो सकता है चल रहा है तो रोक देगा, हो सकता है धीरे चल रहा है तो तेज चला देगा, इस तरह के कुछ चेंजेस आएंगे अगर आपकी जो बॉडी है वो रिजिड है तो। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे, दैट फोर्स व्हेन अप्लाइड, सिमिलर ही होगा, फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी, अगर जो बॉडी है वो नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड बॉडी, इट कैन कॉज बोथ चेंज इन shape, size and motion, यहां पर दोनों हो सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर क्या है, रिजिड बॉडी होने पर फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप और साइज हो सकता है चेंज ना हो, बट मोशन में कुछ चेंज वहां पर आ सकती है। फोर्स जब आप किसी नॉन रिजिड बॉडी पे लगाओगे तो ये बॉडी के शेप साइज को भी चेंज कर सकता है और उसमें मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी पे हमने एक फॉर्मूला
वहां पर पढ़ा था दैट फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एसआई यूनिट हम लोग फोर्स की लिखते थे, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो हम लोग लिखते थे वो न्यूटन लिखते थे, एन से हम लोग उसे डिनोट करते थे। तो ये सारी बातें हमने थोड़ी सी रिवीजन के व्यू से, रिवीजन के पर्पस से कर ली है। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। तो चलिए इसके लिए भी एक डायग्राम लेकर के आते हैं, समझने में आसानी होगी हमें। जैसा कि आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो, थोड़ा सा बड़ा मैं इमेज को कर देता हूँ और इसकी जो पोजीशन है वो आपके लिए अलाइन कर देता हूँ, ठीक। आप यहाँ पे ध्यान दो दैट आपकी जो ट्रेन है वो एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पर चल रही है, आपकी जो कार है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे आगे बढ़ेगी। तो जब भी आपको ऐसा मोशन दिखे जहाँ पर बॉडीज जो हैं वो स्ट्रेट पाथ में चलें, और किसी भी बॉडी को चलाने के लिए आपको फोर्स तो देना होगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा आप बता दो देन व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, तो बेटा आप क्या लिखोगे, तो आप वहां पर लिखोगे डेफिनेशन, आप लिखोगे व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव the body starts moving in a straight path in the direction of force. और फाइनली आप लिख दोगे दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन में एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी, जब भी किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगेगा, फॉर एग्जाम्पल, हर चीज को एग्जाम्पल से समझना बेटर होता है, बिकॉज अगर एग्जाम्पल्स नहीं होते तो बड़े बड़े साइंटिस्ट की बातें हमें समझ नहीं आई होती बच्चों। इस वजह से आप तो छोटे बच्चों, आपके लिए एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर टीचर को आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ ध्यान दो बच्चों, आपके पास एक ऐसे बॉल है, ये बड़ा सा बॉल है, अब आप इसे पुश कर रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर फोर्स लगा करके आप इसे पुश करते हो और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ है। तो जब भी आप किसी भी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगा दो, मीन्स ये हमारा हो गया है रिजिड बॉडी, मैंने बताया है शुरू में रिजिड बॉडी क्या है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा रिविजन जो है क्लास नाइन्थ का करा दिया है शुरू में। तो ये आपकी बेटा रिजिड बॉडी हो गई है विच इज फ्री टू मूव, जो कि फ्री है मूव करने के लिए, आराम से कंफर्टेबल है। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ये बेसिक पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है और यही आपको याद रखना है कि द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और इस तरह का मोशन जहां भी दिखेगा हम उसे कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन या फिर लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, तो इतना समझने के बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रोटेशनल मोशन। तो चलो बेटा रोटेशनल मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है, सपोज करो कि आप किसी बॉडी को किसी पॉइंट से पाइवट कर देते हो,
पाइवट कर देने का मतलब कि मान लो उसे आप फिक्स कर देते हो किसी एक पॉइंट के अबाउट, है ना। और वहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है दैट कि वहां पर फोर्स तो लगाना जरूरी है, तो ही तो कोई बॉडी घूमेगा। तो जैसे रोटेशनल मोशन की जो बेसिक हम लोग अपने रियल लाइफ में देखे होंगे, जहां भी कहीं घूमने गए हो, अगर डैडी के साथ, मम्मी के साथ, या घर के किसी भी भैया के साथ, या फिर किसी के साथ भी अगर कहीं घूमने गए हो, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप बच्चों, जब इस तरह की अरेंजमेंट आप देखते हो, तो आपके दिमाग में आता होगा दैट ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो भाई कंटिन्यूअसली ये गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल कंटिन्यूअसली घूम रहे। तो आप बच्चों वहां सोचते होगे बेटा दैट ये किस तरह का मोशन है, ये किस तरह का मोशन है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बेटा इस टाइप के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। अभी सपोज करो बेटा कि आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपकी जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी यहाँ पे बच्चों। तो आपके पास जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर आपने पहले अगर कहीं देखा होगा, सॉरी मैंने गलत डायग्राम को यहाँ से ले लिया है, हाँ ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपके पास एक स्ट्रक्चर है। तो बचपन में गए होगे तो जिद करते होगे, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये हवा से ऐसे घूमता है ना। तो हमने तो भाई बचपन में अपने इस तरह के स्ट्रक्चर को साइकिल पे लगा करके बहुत तेज साइकिल चलाते थे और कोशिश करते थे ये हवा से इतना तेज घूमे कि ये फट के अलग हो जाए। तो तुमने भी शायद इस तरह के हरकतें की होंगी बचपन में, छोटे हो गए तब, तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। तो ये भी घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो बेटा ये भी एक तरह से किस तरह का मोशन कर रहा है, ये भी रोटेशनल मोशन ही कर रहा है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब चलो आ जाते हैं टेक्निकल बात पे। तो टेक्निकल बात पे आने का क्या मतलब है, टेक्निकल बात पे आने का ये मतलब है दैट कि सपोज करो आप किसी ऑब्जेक्ट को, सॉरी 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 बेटा, आप किसी ऑब्जेक्ट को लेते हो, है ना, और उसे किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स कर देते हो, जिसे मैंने बताया कि पाइवट कर देते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हो, मैं इसे नीचे ले आता हूँ बेटा ताकि आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी मैं दे पाऊँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाई कर सके। मेरे पास जितना नॉलेज है, मैंने जो भी आज तक बच्चों को पढ़ा के इकट्ठा किया, मैं सारा दूंगा, बट आपको अपना सपोर्ट दिखाते रहना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है दैट मैं साफ सुथरा बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। मुझे आप नहीं देख पा रहे हो ये मैटर नहीं करता है, मेरी फीलिंग्स को आप देखो दैट मैंने इस पे कितनी मेहनत की है और किस तरह से मैंने ये सारे इमेजेस इकट्ठे किए हैं आपके लिए, ताकि एक एक डायग्राम के थ्रू एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए क्लियर करा पाऊँ। तो बेटा आप वीडियो को पूरा देखना, आपके जो पूरी चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर कराऊंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है। तो जैसे बेटा आपने क्या किया ना, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है ओ, और इस पॉइंट के अबाउट आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही, अलग मत समझना, ठीक है, इस प्लेट को फिक्स कर दिया इसके अबाउट। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर इस पॉइंट पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, इस जगह पर ऐसे धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है दैट ये ऐसे गोल घूमना चाहेगा, ये इस तरह से गोल घूमना चाहेगा, है ना, समझ रहे हो बात। तो अगर किसी भी बॉडी को पाइवट किया जाता है किसी एक पॉइंट के अबाउट, पाइवट करना मतलब फिक्स कर देना, हिंज कर देना, और फोर्स लगाया जाता है किसी एक सुटेबल पॉइंट पे, तो वो बॉडी रोटेट करने लगता है, वो बॉडी रोटेट करने लगता है किसी एक एक्सिस के अबाउट। अभी एक्सिस कहने का मतलब क्या है समझो, जैसे मान लो आप यहाँ पर एक इस तरह से सर्कुलर डिस्क ले रहे हो, ठीक है बेटा, थोड़ा सर्कुलर डिस्क मैंने बना दिया, पूरा सॉलिड है ये, और इसको हमने पाइवट कर दिया है, इस पॉइंट के अबाउट हमने पाइवट कर दिया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये साइड से आकर के ऐसे फोर्स ऐसे लगा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इस तरह से घूमेगा। तो ये जो घूम रहा है बेटा,
ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और वो एक्सिस इस पॉइंट से इस तरह से पास होगी, और इसके अबाउट ये गोल गोल इस तरह से घूम रहा है, तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की। बेटा जब आप 11th में जाओगे ना, तो आपको एक पूरा चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ना है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत सारे लोग कहते हैं टफ चैप्टर है, बट अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दैट आपको वो चैप्टर मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहने का मतलब हो गया वो लाइन जिसके अबाउट बॉडी गोल 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 चक्कर काटते हुए घूमता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इतने देर में क्या समझा, तो आपने इतने देर में ये समझा बेटा कि रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें कि बॉडी जो है वो किसी एक एक्सिस के अबाउट, अब यहाँ पर हमारी एक्सिस ये वाली है, इसके अबाउट बॉडी जो है ना वो रोटेट कर रहा है। यहाँ पर हमारी एक्सिस कौन है, ये लंबी वाली लाइन नहीं है, इसके अबाउट बॉडी नहीं घूम रहा है ना, इसके अबाउट बॉडी नहीं घूम रहा है, समझ रहे हो। बॉडी जो घूम रहा है ना वो हमारा इस पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा था, वो बॉडी हमारा इस वाले पॉइंट के अबाउट ये टर्न करेगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट ओ है, मैं थोड़ा डार्क कलर यहाँ ले लेता हूँ, हमारा जो पॉइंट ओ है उस ओ पॉइंट के अबाउट जो है बॉडी यहाँ पर रोटेट करेगी बेटा। तो यहाँ पर जो है ये ओ के अबाउट, ओ से पास करने वाला हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। उसी तरह से इस डिस्क के साथ यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख पा रहे हो कौन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब आपको रोटेशनल मोशन के लिए जो डेफिनेशन होना चाहिए, जो आपको याद करना चाहिए, वो मैं लिख करके यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन बेटा आप एग्जाम में लिखोगे, व्हेन अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट एंड द फोर्स अप्लाइड रोटेट्स द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, देन दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बेटा आप एग्जाम्पल क्या देना चाहते हो, एग्जाम्पल क्या लिखना चाहते हो, तो आप बेटा एग्जाम्पल लिख देना दैट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख देना, एग्जाम्पल में आप लिख देना कि व्हेन अ व्हील रोटेट्स, है ना, गाड़ी का जो पहिया होता वो, या फिर यहाँ पे आप जायंट व्हील देख रहे हो, सॉरी, है ना, ये जो जायंट व्हील है यहाँ पे जो अभी डायग्राम मैंने दिखाया था, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो रोटेशनल मोशन के एग्जांपल में। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बेटा हमारा वो आएगा टॉर्क। जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, एक और नाम अगर मैं यहां लिखना चाहूँ तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लिख सकते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना यहाँ पे दैट टॉर्क कहो या मोमेंट ऑफ फोर्स कहो या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, सारी बातें एक ही है। इसके बारे में थोड़ा विशेष चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे बच्चों। मैं सेम डायग्राम इसके लिए भी यूज करूंगा जो अभी मैंने लिया था। ठीक है बेटा, मैं यही डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। चलो, तो अब यहाँ ध्यान देना आप, जैसे आपके पास जो ये एक प्लेट है, इरेगुलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट ये पाइवेटेड पॉइंट है। अभी इससे कुछ डिस्टेंस पे या इस पॉइंट पे आप ध्यान दो, यहाँ पर इस जगह पर आप फोर्स लगाते हो, तो आप जैसे ही इस जगह पर फोर्स लगाते हो ये बॉडी जो है, यहाँ एरो देखो आप, इसके अबाउट यहाँ घूमने लगता है। क्लियर है, तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, तो यहाँ पर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है, एक क्वांटिटी है डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम
एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जिसके अबाउट बॉडी गोल गोल चक्कर घूमने लगता है। तो यहाँ पर दो बातें करनी है हमें, एक तो फोर्स के बारे में करनी है, दूसरी जो करनी है वो करनी है डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान देना आप यहाँ पर दैट आपके पास जो भी यहाँ पर फोर्स लग रही है वो तो चलो भाई ये फोर्स है, ये वाली फोर्स हमें लेनी है, लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर हमें फोर्स तो मिल चुका है बट यहाँ पर हमें डिस्टेंस कौन सा लेना है। तो डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं बेटा यहाँ पे, वो डिस्टेंस लेते हैं कैसा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ध्यान दो कि फोर्स ऐसे हमने लगाई थी और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो फोर्स को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो पी तक मैंने ए को जो है डॉटेड लाइन से पी तक बढ़ा दिया है, और ओ से, ये ओ हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे मैंने उस लाइन पे एपी पे ए से पी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो यही डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी ओ से पी, ये ओ से पी जो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी जहां पर फोर्स लग रहा है। तो आपने ए को पी तक क्यों एक्सटेंड किया, बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट आप और हमेशा ध्यान देना दैट यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात आएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात आएगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहने का मतलब वो लाइन जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है। तो आप अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेते हो, मीन्स जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है वो अगर आप निकाल लेते हो बेटा, तो आप बहुत आसानी से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या जो पॉइंट पे पाइवेटेड बॉडी है या जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन जो है बना देना उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ। वही तो हमने किया यहाँ पर, ए से पी हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो इससे हमें ये पता चल गया दैट इस लाइन के अबाउट फोर्स जो है लग रही है, और हमने इस लाइन पे एक सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मिल गया। बहुत आसान है। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बेटा तू बता दे क्या लिखेगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बेटा आप ये लिखोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब फोर्स नहीं टॉर्क, ज्यादातर मैं टॉर्क यूज करूंगा नाम, ठीक है। और इसका एक सिंबल भी मैं दूंगा, सिंबल ऐसा होता है टाउ, उल्टा छतरी, ठीक है। मैंने ये नाम रखा है, ठीक है, इसे टाउ कहते हैं। अगर लिखना हो तो ऐसे लिखोगे आप, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे ताऊ, ताऊ बोले तो चचा, नहीं टाउ, टाउ पढ़ना है, ठीक है। तो टाव ये सिंबल होता है टॉर्क के लिए, ओके। सो टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये तरीका है, ये मैंने अभी जो समझाया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हायर क्लास में जाओगे इसे और हाई लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये इतना ही नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम वहां पे आ जाता है, उन सब की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं यहाँ पे। हाँ, अगर उसके बारे में किसी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो मुझे डायरेक्टली मेल कर सकता है, या फिर मुझे डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू हमारे डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब हो गया बेटा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद जरूरी है। अब डिपेंड, अब बात आती है दैट कि आपने टॉर्क के बारे में समझा, टॉर्क क्या कर सकता है, तो टॉर्क किसी बॉडी को घुमा सकता है, क्योंकि यहां पर ध्यान देना आप नाम ही वही है, टॉर्क क्या देता है, टॉर्क क्या देता है, टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बॉडी में रोटेशनल मोशन पैदा करेगा, यही टॉर्क है हमारा, ठीक है,
समझ रहे हो बात? तो अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स मतलब आप समझ रहे हो, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिस पे हमारा टॉर्क जो है बॉडी का डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको कुछ अलग से याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, बहुत आसान है। पहला तो भाई इसकी फॉर्मूला आप देख लो, तो इसकी फॉर्मूला आप देखोगे तो दो ही चीज आपको दिखेंगे, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिखेगी, फोर्स की जो वैल्यू है वो दिखेगी, साथ ही साथ आपको और क्या दिखेगी यहाँ पे, एक तो फोर्स दिख जाएगी और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच दी फोर्स टॉर्क डिपेंड्स, तो बेटा आपको सिंपल ऐसे लिख देना है, फोर्स सेकेंड में लिख देना, ये कुछ अलग से आपको नहीं याद रखना है, ठीक है? तो ये मैं अलग से नहीं लिख रहा है, आप बस ये दोनों पॉइंट्स याद कर लो, दैट फोर्स जो फैक्टर्स जो डिपेंड करेगा, टॉर्क जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो एक फोर्स होगा और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, किसका, फोर्स का, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है? समझ गए? तो ये बातें हमने की है फोर्स के बारे में। अब आती है दैट एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की जो एसआई यूनिट, मैं एक एक पॉइंट्स जो है लिख रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखे तो व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, टॉर्क, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की जो एसआई यूनिट होनी चाहिए बेटा वो क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो टॉर्क की अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो हमारी जो फोर्स की यूनिट है वो कितनी होगी, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, सो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, पहले तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता चल जाना चाहिए, इनटू आप एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस ले लो, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस ले लो, तो आपको किसकी यूनिट मिल जाएगी, टॉर्क की यूनिट मिल जाएगी। सो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क कितनी होती है, न्यूटन और मीटर, इसके लिए फोर्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई मीटर। तो हमारी जो एसआई यूनिट होगी बेटा फोर्स की, टॉर्क की, सॉरी मैं बार बार फोर्स क्यों बोल दे रहा हूँ पता नहीं, मुझे माफ करना। सो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हाथ उठाएंगे बोलेंगे सर 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 आप इसकी सीजीएस यूनिट भी बताओ मुझे, और कैसे निकालते हो वो भी करके बताओ, तो मैं वो भी करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने अभी बताई दैट एसआई यूनिट जो है 1 न्यूटन है, सॉरी न्यूटन मीटर है, तो अब हमें इसकी सीजीएस यूनिट चाहिए, तो इसके लिए आपको ये ट्रिक लगाना है दैट कि आप न्यूटन को सीजीएस में ले जाओगे, मीटर को सीजीएस में ले जाओगे। तो पहले न्यूटन को अगर हम लोग सीजीएस में ले जाते हैं, सीजीएस में, और मीटर को अगर हम लोग सीजीएस में ले जाते हैं, तो इंडिविजुअली वो जो बनेंगे वो बनेंगे डाइन और यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है? तो जो सीजीएस यूनिट हो गई बेटा यहाँ पे वो हो गई डाइन सेंटीमीटर। सो यहाँ लिख दो आप दैट सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर जो है इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे फिर से हाथ उठाएंगे, ये हाथ उठाने वाले बच्चे जो होते हैं ना बहुत होते हैं आपके क्लास में, देखे होगा आप कोई बात नहीं, यहाँ पे आप हाथ उठा सकते हो, आपका स्कूल नहीं है, ये हमारी क्लास है, इस क्लास में आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत ही सिक्योर हो, बहुत कंफर्टेबल हो करके आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली नहीं पूछ पाते, बिकॉज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज रह जाते हैं तो आप कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपसे कोई पूछे दैट, वही हाथ उड़ाने वाले बच्चे जो है ना वही पूछ रहे हैं दैट हमें ना 1 न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा सबसे पहले तो आप बताओ 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, अभी ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये 9th क्लास तक में आपने, आईसीएससी के बच्चे बहुत तेज होते हैं, इनकी जो सिलेबस होती है ना वो सीबीएसई वालों से ज्यादा वास्ट होती है, तो अगर कोई सीबीएसई के बच्चे भी इसे देख रहे हैं तो उन्हें भी सीखना चाहिए, बिकॉज 10th क्लास में उन्हें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, फोर्स उन्हें नहीं पढ़ना, सीबीएसई के जो बच्चे होंगे ना क्लास 10 के उन्हें फोर्स नहीं पढ़ना है। बट अगर सीखने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो मैं आपको एक बार
जरूर सैल्यूट करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ही कम बच्चे होते हैं ना जो किसी लेक्चर को सीखने के पर्पज से देखते हैं। ये लेक्चर हमारा सीखने के पर्पज से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग जा रहे हैं। अभी तक जो भी किया है हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात दैट यहाँ पर मैं डेफिनेशन और नोट्स जो है आपको लिखाते चला जा रहा हूँ। तो बच्चों आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है और लास्ट में कमेंट और लाइक करके मुझे बताना है दैट इस तरह के और कितने वीडियोस मुझे आपके लिए बनाना चाहिए। ठीक है बेटा? और हाँ, आपको 1 न्यूटन मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10^5 डाइन। एंड 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? सो 1 मीटर इक्वल टू होता है 10^2 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से 1 न्यूटन से डाइन जा रहा है तो 10^5 डाइन होना चाहिए, और 1 मीटर से सेंटीमीटर जा रहा है सो 10^2 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। आप ऐसे ही तो नहीं ले जाओगे ना, इक्वल कर रहे हो ना। तो 1 न्यूटन से आप कहाँ ले जा रहे हो? 1 न्यूटन से आप ले जा रहे हो 10^5 डाइन। तो 1 मीटर से आप कहाँ ले जाओगे? तो 1 मीटर से आप ले जाओगे बेटा, यहाँ पे देखो 1 मीटर से आप कहाँ ले जाओगे? सो 10^2 सेंटीमीटर। सिंपल है, तो आपको मिल गया, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। बहुत अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10^7 डाइन सेंटीमीटर। ओके चलो, सो 1 न्यूटन मीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने सीजीएस में, तो ये होता है इक्वल टू 10^7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा बात हम लोग यहाँ पे करेंगे दैट हमारा जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है। ठीक है, मोमेंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर और इसे हम लोग कैसे समझेंगे, इसके लिए एक डायग्राम हम लोग लेते हैं। जैसे सपोज करो ये डायग्राम मैं आपके लिए लेकर के आया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, आप अगर आप इस बॉडी डिस्क ए और डिस्क बी है हमारे पास, ठीक है, एक डिस्क 1 ले लो, एक डिस्क जो है वो 2 ले लो। तो सपोज करो कि हमारा डिस्क जो है ये बी है, 1 है, और ये डिस्क 2 है, ऐसे है, दो डिस्क है। फर्स्ट वाले डिस्क में आप फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फर्स्ट वाले डायरेक्शन में आप फोर्स जो है राइट की तरफ लगा रहे हो। तो आपको भी पता है कि जब आप यहाँ पे फोर्स ऐसे दोगे तो इस तरह से सर ऐसे घूमेगा। ठीक है, बहुत ही आसान। सेकेंड में हमने फोर्स जो है राइट ही रखी है, राइट ही की तरफ है, बट जो हमने फोर्स की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना वो बदल दी है भाई, हमारी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो बदल चुकी है। तो आप ध्यान देना दैट आप इसको इस तरह से लगाओगे तो आपका फोर्स जो है वो इस तरह से बॉडी सॉरी ऐसे ऐसे घुमा देगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि भाई फोर्स तो हमने दोनों केस में राइट के तरफ लगाया था, लेकिन एक केस में बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक केस में बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर बात आता है दैट जो बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगा या बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये डिपेंड करेगा दैट फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे लग रहा है। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करेगा दैट फोर्स जो है वो लेफ्ट लग रहा है, राइट लग रहा है, या फिर किस पॉइंट पे लग रहा है। इन सारी बातों का हमने यहाँ ध्यान रखना है। जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर हमने फोर्स की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस जगह पर फोर्स लग रही थी ना उस पॉइंट में बदलाव किया, तो आपने देखा कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था वो क्लॉकवाइज मोमेंट में बदल गया। क्लियर है, आ रही बात समझ? तो यहां पर अगर आप अपने फिंगर्स को राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, तो आपको दिखेगा दैट हमारी जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ डायरेक्शन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
खैर अगर ये मैं नहीं भी समझाऊं तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझो दैट अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो अगर आप इसकी मोमेंट को पॉजिटिव लोगे तो क्लॉकवाइज घूमने पर इसकी मोमेंट को आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम लोग डायरेक्शन यूज करते आए हैं, करते रहेंगे। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, इस वजह से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने पर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं टॉर्क के लिए, तो क्लॉकवाइज घूमने पर टॉर्क के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है यहाँ पर, लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, बट रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा आपको, ये सजेशन दिया जा रहा है दैट ऐसा करो। अगर बॉडी की रोटेशन की टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज बन रही है तो आप टॉर्क को पॉजिटिव मान के चलो, और बॉडी की रोटेशन की टेंडेंसी अगर क्लॉकवाइज बन रही है तो आप टॉर्क को नेगेटिव मान के चलो। दिस इज ओनली अ सजेशन, ओके, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने ये किया दैट हमने बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स है उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में बदलाव किया, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया, तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था वो क्लॉकवाइज घूमने लगा। अब जैसे सपोज करो आपके पास एक सवाल आता है दैट इस तरह का, फिर से एक डिस्क हमने लिया है और इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और कुछ ऐसे लगा रहे हैं फोर्स, तो आपको पता है ये बॉडी इस तरह से घूमने लगेगा, क्लियर है। फोर्स इस तरह से लगने पर बॉडी ऐसे घूमने लगेगा। अगर इसी बॉडी पे सेम उसी पॉइंट पे अगर फोर्स ऐसे लगे तो बता दो बॉडी कैसे घूमेगा, तो बॉडी ऐसे घूमेगा। तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको ये समझाया दैट कि किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अगर आप चेंज कर दो तो भी एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, ठीक है। ये दो बातें हम लोगों ने यहाँ पर खास डिटेल्ड वे में करी है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे टॉर्क के, जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसकी साइंटिफिक वे क्या है, क्यों ऐसा है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्क, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, इस टाइप के एग्जाम्पल आप रोज अपने लाइफ में फेस करते हो, ठीक है। जैसे आप एक डोर का एग्जाम्पल ले लो, तो डोर के एग्जाम्पल जब आप लेते हो तो उस केस में आपको भी पता है दैट आप यहाँ पर पुश या पुल करते हो, बहुत बहुत बार गलती भी कर जाते हो, जहां पर पुश करना होता है वहां पुल कर देते हो, जहां पे पुल करना होता है वहां पुश कर देते हो, तो ऐसी गलतियां होती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ ध्यान देना दैट आपके पास ये हिंज है, मतलब ये सॉरी डोर का जो हैंडल है, और इसे आप ऐसे फोर्स लगा के पुल कर रहे हो, तो ये जो डोर है ये इस तरह से बाहर की तरफ रोटेट कर रहा है। इस तरह से बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा दैट आपको पुश करना होगा, तो जो डोर है वो इस तरह से रोटेट करेगा, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो ये एग्जाम्पल जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आप एक हिंज है, हिंज हमारी कुछ इस तरह से है, जो यहाँ पर बनी हुई है हिंज है, ये दो हिंज आपको लगी हुई दिख रही है, हिंज कहते हैं इसे। तो इसी के अबाउट डोर जो है वो रोटेट करेगा, तो इसलिए हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और डोर जो है उससे कुछ दूरी पे हमारा फोर्स कुछ ऐसे, इस दूरी पे फोर्स जो है ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये साइड व्यू देख रहे हो, सामने से देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर यहाँ दिखेगा, तो ये फोर्स हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर हमें टॉर्क निकालना हुआ तो बहुत आसानी से फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कर देंगे, हमारा फोर्स जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल एक मैंने आपको यहाँ पर दिया दैट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर अराइज करना चाहूंगा दैट ये जो हैंडल लगा होता है ये बिल्कुल एंड पे ही क्यों लगा होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते भी होंगे, बट फिर भी कोई नहीं, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके आपको और कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराना चाहता हूँ। जैसे कि आप सोचते होगे दैट ये जो हैंडल होता है ये हर डोर के किनारे पे क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है बिकॉज ध्यान देना आप, जैसे कि एक डोर हमने बनाया है, ठीक है, ये हमारी इलस्ट्रेटर की कुछ ड्राइंग्स आपके सामने। तो जैसे कि मैंने एक डोर यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ये मैंने जो हैंडल है वो यहाँ लगाया है, ठीक है, हैंडल है, ये हिंजेस हैं लगे हुए, तो इस
पॉइंट की डिस्टेंस अगर आप हिंज से लेते हो, मींस हिंज कहने का मतलब बेसिकली ये है क्या, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है इसके अबाउट डोर जो है रोटेट कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट डोर रोटेट करेगा। तो अगर सपोज करो कि हम लोगों ने हैंडल को एकदम एंड पे लगाया है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है ये हमारी लार्ज है, ज्यादा है। वही अगर हम लोगों ने डोर को, हैंडल को इस जगह पर लगाया होता, तो उस केस में जो हमारी फोर्स, जहां पर आप खींचोगे लगा करके, वो हैंडल पे ही फोर्स लगा के खींचोगे या पुश करोगे या फिर पुल करोगे, तो फोर्स जो है वो तो भाई जितना चाहिए सफिशियंट वो तो रहेगा। तो फोर्स तो चलो यहाँ भी एफ लगाना है और यहाँ भी हमें एफ लगाना है, ठीक है, मान के चलो ऐसा है। फोर्स में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दोनों जगह पे सपोज करो कि आपको सेम बराबर की फोर्स देनी है। तो टॉर्क जो लिखते हो आप, टॉर्क लिखते हो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपने फोर्स को रख दिया कांस्टेंट कि भाई मुझे फोर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे फोर्स कम से कम ही देना है, तो आप चाहोगे टॉर्क ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए तो आप फोर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रहे हो, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, सॉरी यहाँ मिट गया था, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कराना पड़ेगा, और उसके लिए आप जो है लार्ज डिस्टेंस जो है पर प्रेफर करना चाहोगे, आप स्मॉल डिस्टेंस प्रेफर नहीं करना चाहोगे, बिकॉज उस केस में आपको उतना मैक्सिमम टॉर्क, सफिशियंट टॉर्क नहीं मिल पाएगा, तो आपको फोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा फोर्स लगा करके दरवाजे को खोलना पड़ेगा। बात बात समझ रहे हो बच्चों? तो इस वजह से जो डोर की जो मीन्स हैंडल होती है ना, वो किनारे पे होती है, ताकि कम फोर्स लगा दे और डिस्टेंस को बढ़ा दे तो भी सफिशियंट टॉर्क जो एक गेट को खुलने के लिए चाहिए वो हमें मिल जाए। तो इस तरह से हमने इसे समझा। एक और एग्जांपल अगर मैं थोड़ा डीप में यहाँ जाना चाहूँ, तो आप जैसे साइकिल की बात करो, ठीक है, इस साइकिल की बात करते हैं हम लोग, साइकिल के जो होते हैं पैडल्स, या फिर थोड़ा सा बात कार की भी कर लेंगे। अभी देखो इस केस में आप ध्यान देना, दैट जो कार है इस केस में हमारी जो हैंडल है वो, ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं हाथ से, ये बिल्कुल एंड पे लगा रहे हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, दैट फोर्स हम जो है हैंडल पे बिल्कुल एंड पे दे रहे हैं, ताकि हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई ना करना पड़े, ठीक है। सेम केस आपको साइकिल के केस में भी दिखता है, दैट हम लोगों ने डायरेक्ट जो है पैडल को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसके साथ हमने पैडल्स को कनेक्ट नहीं किया, बिकॉज इसकी जो रिम है ये छोटी है, मीन्स इसकी जो रेडियस होगी वो भी कम होगी। तो अगर हमने पैडल को यहाँ कनेक्ट किया होता तो हमें भाई आर्क कम मिलता ना, सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है, तो सेंटर के अबाउट घूमने पर यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो भाई ये तो कम है ना, और फोर्स आपको यहाँ पर फिर ज्यादा देना पड़ जाएगा घुमाने के लिए। लेकिन इस केस में हमारी जो सरकमफेरेंस है, हमारी जो रेडियस है रिम की, वो ज्यादा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस। इस वजह से जो हमारी पेडल लगी होती है वो बड़े वाले रिम में लगी होती है, ठीक है बेटा। तो ये समझ आ गया होगा आपको, दैट यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और क्या कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि थोड़ा सा और अगर साइकिल के कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेबरेट करें, तो आप ध्यान देना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता दैट आप बोर हो रहे हो, बिकॉज मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप चाहो तो स्किप करके आगे डायरेक्ट इजी मतलब कॉन्सेप्ट को आगे आप स्किप कर सकते हो, मैं सेम चीज यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करूंगा उन बच्चों के लिए जो नहीं समझ पाए। तो जैसे सपोज करो ये जो बड़ी वाली रिम है, इसमें हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, इस पॉइंट के अबाउट जो है साइकिल जो है रोटेट करेगी, ये रिम रोटेट करेगी। अभी यहाँ पर हम लोग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, सो टेढ़ा हो गया थोड़ा, ऐसे फोर्स हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने बताया था फोर्स को या तो आगे या फिर पीछे एक्सटेंड कर दो, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, पीछे एक्सटेंड कर दिया और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर सिंपल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो ये हमारी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लेवर की जो आर्म है ना, ये ज्यादा होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए, ताकि टॉर्क जब हम लिखे तो टॉर्क हम लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस केस में हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा आए तो फोर्स हमें कम देना पड़े,
फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो इस वजह से हमें जो पेडल्स लगे दिखते हैं साइकिल में, वो बड़े वाले रिम में लगे हुए दिखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट अभी किया था कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क, और बहुत सारे एग्जांपल मैं देता चला आया हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग स्टार्ट करें बेटा, तो देखना यहाँ पर दैट नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा आता है रेंच के बारे में, देखते हैं हम लोग यहाँ, इसे स्पैनर कहते हैं, ठीक है। तो स्पैनर जो होता है उससे या तो नट बोल्ट आप टाइट करते होगे, यूज भी किया होगा हो सकता है, जो बच्चे कारीगरी करते रहते हैं, है ना, तो इस तरह से ध्यान देना। अब इस केस में क्या मैं समझाने वाला हूँ, दैट इस वाले केस में आप ध्यान देना कि आप यहाँ पर उसे फिक्स कर देते हो स्क्रू नट को, है ना, आप यहाँ पर फिक्स कर देते हो, तो ये हमारा जो रेंच है वो रोटेट करेगा इसी पॉइंट के अबाउट, इस रेंच के अबाउट ऐसे ये घूमेगा, मतलब कि फोर्स जो है वो हमें यहाँ पर लगानी है, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम रखेंगे तो टॉर्क तो भाई उतना ही चाहिए, नट को खुलने के लिए जितना टॉर्क चाहिए उतना तो देना ही पड़ेगा, अब चाहे आप हाथ से क्यों ना दे दो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना टॉर्क आप हाथ से नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे, सिंपल हाथ से अगर आप पकड़ के इसे घुमाते हो तो उस केस में तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ फोर्स जहाँ लग रही है, जो फोर्स लगेगी जैसे नट आप लेते हो ऐसे, ठीक है, और इसे आप हाथों से ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना चाहते हो, खोलना चाहते हो, तो आप बताओ क्या आप इसे खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे ना, क्यों, क्योंकि आप जहाँ पे फोर्स दे रहे हो, ऐसे फोर्स आप दे रहे हो, तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सटी हुई है भाई, लगभग जीरो के बराबर है, तो बहुत ही ज्यादा फोर्स देना होगा तब जा करके आप इसे खोल पाओगे। लेकिन अगर वही टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला जो था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओ तो आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को आपने बढ़ा दिया रेंच लगा करके। फोर्स तो भाई हमें कम करना होगा, कम देने से भी चल जाएगा, बिकॉज आर बढ़ चुका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अगर कम फोर्स भी रहे तो जो टॉर्क हमें इसे खोलने के लिए चाहिए वो यहाँ पर मिल सकता है। अब बात समझ आ गई आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अब टॉपिक स्विच करते हैं, बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा जो टॉपिक है उसे हम लोग स्विच करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है कपल। अभी ये कपल कहने का मतलब वो कपल जो जोड़े बैठे दिखते हैं ना पार्क वार्क में, वो वाले कपल नहीं है, यहाँ पर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अनुसार अगर समझे तो कपल क्या होता है ध्यान देना, दैट सपोज करो कि एक सिंगल फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ऑन अ पाइवोटेड बॉडी। थोड़ा सा डीप में मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो जानने के बहुत उत्सुक होते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ दैट अगर आप एक सिंगल फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी पाइवोटेड बॉडी पे, सिर्फ एक सिंगल फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो सिंगल फोर्स इकलौता अकेला रोटेशन कराने के सक्षम कैपेबल नहीं होते हैं। रोटेशन जब भी होंगे हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से होंगे। तो अगर आप पेयर ऑफ फोर्सेस के नाम ले रहे हो तो आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर तो भाई एक ही फोर्स लगाया था ना, अरे नहीं यार, हमने यहाँ पर भी दो फोर्स लगाए थे, आप देख नहीं पाए, जैसे कि एक फोर्स हमने यहाँ दिया, तो एक फोर्स यहाँ देने पर क्या हो रहा है दैट ये जो नट है जहाँ पर आप लगा रहे हो रेंच को, वहां पर भी एक रिएक्शन फोर्स बगावत बागी कह सकते हो, बगावत आएगा और एक फोर्स यहाँ पर भी आएगा जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ये अपोज करना चाहेगा, सॉरी अपोज नहीं, सपोर्ट करेगा। तो रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या करेगा, वो चाहेगा नट आप ऐसे, अगर फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो है ना, तो नट जो है वो कैसे खुलेगा, वो कुछ इस तरह से घूम करके ऐसे घूम करके खुलेगा ना, तो उसी डायरेक्शन में घूमेगा। तो एक रिएक्शन फोर्स आता है जो कि इस फोर्स के लगने की वजह से आ रहा है, बट इसकी टॉर्क में काउंटिंग इसलिए नहीं हो रही बिकॉज इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना, यही है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ही नहीं, जीरो, इस वजह से टॉर्क में इसे हम काउंट नहीं कर रहे। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर खास थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, जो थोड़ा ज्यादा जानने के उत्सुक होते हैं, जो बच्चे हर क्लास में हाथ उठाते हैं उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे नहीं लेना यार, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आप समझ गए क्या है, तो
हमेशा जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होती है ना, तो उसके लिए एक पेयर ऑफ फोर्सेस की जरूरत होती है। हाँ, हालांकि वो बात अलग है, बट यहाँ पर वो फोर्स जो है वो हमें विजिबल नहीं है, बिकॉज उसकी टॉर्क हमें जीरो है, सिर्फ इसीलिए एक ही फोर्स की जो हरकत है वो हमें यहाँ पर नजर आती हुई दिखती है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमारा जो कपल जो टॉपिक है, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, बिकॉज एग्जाम में डेफिनेशन लिखने पर ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो मैं डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना बच्चा, दैट टू इक्वल एंड ऑपोजिट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। दो फोर्स इक्वल भी होने चाहिए, ऑपोजिट भी होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए, ठीक है, और एक सेम लाइन के अलोंग एक्ट नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एक रॉड ले लो आप, ठीक है, अभी इस रॉड में हाफ फोर्सेस लगाओगे, तो इस रॉड में आप फोर्स एक एफ ऐसे लगा रहे हो और एक फोर्स एफ ऐसे लगा रहे हो, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल है, बिकॉज एफ है दोनों की मैग्नीट्यूड। सेकेंड, ये ऑपोजिट भी है। थर्ड, ये पैरेलल भी है, और पैरेलल हो गए तो दोनों सेम लाइन के अलोंग नहीं लगेंगे। ये फोर्स इस लाइन के अबाउट लग रही है और ये वाली फोर्स इस लाइन के अबाउट लग रही है, तो दोनों के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी अलग अलग है। तो ये तीनों चारों कंडीशन जो है वो हमारे फुलफिल हो गए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दीज टू फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल, दीज टू फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल या प्रोड्यूसेस कपल, दीज टू फोर्सेस प्रोड्यूसेस कपल। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग यहाँ पे समझ गए कपल का डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें समझ गया है। अभी नेक्स्ट आता है दैट इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या होगी। इसकी जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देखो, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले एग्जांपल में आप अगर इसे घुमाना चाहते हो तो आप यहाँ नट को यहाँ फंसाते हो ऐसे, ये नट आपका यहाँ फंसता जा करके, ठीक है, ये नट है जो यहाँ नट फंसेगा आपका, थोड़ा डार्क कलर, तो ये नट आपका यहाँ फंस चुका है इस तरह से। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको इधर बाहर की तरफ खींचोगे और इसे अंदर की तरफ धकेलोगे, ठीक है। तो इसे जब बाहर खींचोगे तो आपको एक फोर्स एफ मिल गया, और इसे जब अंदर की तरफ पुश करोगे तो एक फोर्स आपको एफ मिल गया। क्या ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है? हाँ है। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल दोगे? हाँ देंगे। क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है? हाँ है। तो यहाँ पर आपको एक कपल का एग्जाम्पल मिला है, यहाँ पर जो फोर्सेस दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके बनेंगे ये एक कपल फोर्स कहलाएंगे, ठीक है, ये एक कपल कहलाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आपका रिलेटेड होगा कपल से। जैसे कि ये टैप है, तो इस टैप में आप इस फिंगर से इसको बाहर की तरफ ऐसे पुश करते हो और इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश करते हो, यहाँ पर भी आप फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आप यहाँ पर दे रहे हो, और इस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से ये रोटेट करता है, तो इससे भी हम कह सकते हैं दैट ये भी एक कपल फोर्स यहाँ पर बना रहा है, कपल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देगा। और कपल से क्या होता है दैट हमारा जो रोटेशन होता है वो इजी हो जाता है, ज्यादा आसानी से हम लोग बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दोनों फोर्स मिल जाते हैं और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते टाइम आपको कोई कहे कि एक तरफ का जो पैर है उस पर बिल्कुल फोर्स मत लगाओ और एक तरफ से फोर्स लगाओ, आपको बहुत परेशानी आएगी उसे रोटेशन कराने में, उस व्हील को आप ऐसा ट्राई करके देखना अगर आप साइकिल चलाते हो तो। वैसे तो आजकल तो बच्चे साइकिल वगैरह चलाते नहीं है, डायरेक्ट स्कूटी पे आ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो फोर व्हीलर उड़ाने लगते हैं यार। तो इस तरह के जो मतलब कॉमन एग्जाम्पल्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट में आप देखते हो उन सब पे आपको ध्यान देना चाहिए, आपको देखना चाहिए दैट वहां पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मोमेंट ऑफ,
कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल, या फिर आप ऐसा कह सकते हो मोमेंट ऑफ बोथ दी फोर्सेस, है ना, मोमेंट ऑफ बोथ दी फोर्सेस, या फिर आप सिंपल कह सकते हो दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना है, तो मोमेंट ऑफ बोथ दी फोर्सेस, या आप ऐसे कह सकते हो दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क निकालना है। मेरा माइंड मिक्स हो गया, देखो आप यहाँ पे फोर्सेस की जगह पे फोर क्यूज लिख दिया मैंने, टॉर्क क्यूज, तो मोमेंट ऑफ बोथ दी फोर्सेस, क्लियर है। तो आप इसके लिए मेरा एक एग्जांपल आप यहाँ पर लो, जिसमें मैं दो फोर्स यूज करूंगा, दोनों कपल फोर्सेस होंगे, और उनकी वजह से मैं टोटल मोमेंट आपको, टोटल टॉर्क आपको निकाल के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे देखो ध्यान देना आप यहाँ पे, दैट आपके पास यहाँ पर दो फोर्स है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगता हुआ दिख रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता हुआ दिख रहा है। अभी दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं और पैरेलल हैं, तो ये कपल फोर्सेस हैं। हमें यहाँ पर दोनों फोर्सेस की वजह से जो टोटल टॉर्क है वो कैलकुलेट करनी है, जिसका नाम हमने दिया है मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए आप पहले टॉर्क निकाल लो ए की वजह से, जो फोर्स ए है ना उसकी वजह से निकाल लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो टॉर्क, टॉर्क ऑफ फोर्स एफ एट दी एंड ए, जो एंड ए पे फोर्स लग रहा है, जो एंड ए पे फोर्स लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क हम लोग निकाल लेते हैं, उसका नाम देते हैं टाउ वन। ये हो जाएगा फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ओ से ए, सो ओ ए। नाउ नेक्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं टॉर्क ऑफ फोर्स एफ एट दी एंड बी, तो फिर से इसे नाम दे देते टॉर्क टू, और यहाँ पे फोर्स हमारा एफ ही है, और अब जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ध्यान दो ओ से बी है, तो आप यहाँ लिखोगे ओ से बी, सॉरी ओ से बी। तो नेट टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ बोथ दी फोर्सेस, या टॉर्क ड्यू टू दी बोथ बोथ फोर्सेस अगर निकालनी हुई, तो टोटल नेट टॉर्क, या आप उसे नाम दे सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, आप देखो ये वाली जो इधर ए पे जो फोर्स लग रही है वो बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहती है, वो बॉडी को घुमाना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज में। अच्छा बी पे जो फोर्स लग रही है वो बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहती है, तो वो बॉडी को भी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, मीन्स दोनों को हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो टॉर्क नेट निकालने के लिए हम लोग सिंपली टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू कर देंगे। टॉर्क वन हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए, प्लस टॉर्क टू हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ से दोनों जगह से एफ आप कॉमन ले लो, तो आपको मिल जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, है ना, सो एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी आपका क्या है डी, तो फोर्स इंटू डी, सो टॉर्क नेट हमारा आ गया फोर्स इंटू डी, और जो डायरेक्शन यहाँ पर आ गई वो आ गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया ओ के अबाउट, हमने टॉर्क यहाँ निकाल दी, बिकॉज ओ इज दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओ के अबाउट ही यहाँ पर रोटेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारा वो होगा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ओके। सो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से आप क्या समझोगे, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो द डेफिनेशन इज बेटा दैट व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मान लो कि आपके पास एक बॉडी है इस तरह से, और इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह से चार फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, और ये चारों के चारों फोर्स जो है इस बॉडी को मोशन नहीं दे पा रहा है, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही है, समझ गए, रेस्ट पे था इनिशियली,
ये क्या था, इनिशियली रेस्ट पे था और फाइनली भी ये रेस्ट पे ही है। कहने का मतलब क्या हुआ, दैट जितने भी फोर्सेस लगे हैं ये सारे फोर्सेस का नेट वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना हो गया है, जीरो हो गया है। समझ गए, नेट फोर्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दैट नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया है, और साथ ही साथ नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क जो हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट देखेंगे वो भी जीरो हो गया है। तो ना ही ये लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ना ही ये लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ना ही ये रोटेशनल मोशन करेगा, ना चलेगा ना घूमेगा, आसान भाषा में ना चलेगा ना घूमेगा। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क, ये दोनों, एक नहीं दोनों, नेट फोर्स और नेट टॉर्क जब जीरो हो जाते हैं तो वहां पर क्या हम लोग ये कहते हैं दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या कहते हैं, दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। उस केस में हमारी जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है, उस केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा दैट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम लोग जानते हैं यहाँ पे। ठीक, अभी आप ध्यान देना दैट इक्विलिब्रियम के मैं आपको यहाँ पर दो टाइप्स बताऊंगा, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा मैं बताऊंगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो चलो पहले, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं दैट स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा एंड फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो चलो दोनों के डेफिनेशन हमने लिख लिए हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वैसा इक्विलिब्रियम होगा जहां पर बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं बट बॉडी रुका है और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है, वो चाह ही नहीं रहे कि वो मूव करे। तो व्हेन बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, कहने का मतलब आओ भाई जितने भी सारे फोर्सेस है लग जाओ बट मैं अपनी पोजिशन चेंज नहीं करूंगा, मैं रेस्ट पे हूँ और मैं रेस्ट पे ही रहूंगा। अगर वैसा इक्विलिब्रियम आपको कहीं भी दिखता है तो उसे हम लोग कहते हैं दैट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपके लिए एक डायग्राम लेकर के आता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एग्जाम्पल देखो आप। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल आप ध्यान दो यहाँ पे। आप बताओ मुझे, यहाँ पर अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी आप वैल्यूज यहाँ देखोगे, इधर 2 न्यूटन की फोर्स है, इधर आपकी 2 न्यूटन की फोर्स है, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर 5 न्यूटन की फोर्स है और इधर 5 न्यूटन की फोर्स है, ये फोर्सेस भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कहने का मतलब जो है हमारा नेट फोर्स यहाँ पर, हमारा एफ नेट यहाँ पर कितना हो गया है, हमारा नेट फोर्स जो है वो जीरो हो गया है। तो क्या ये बॉडी में आप मोशन करा पाओगे, ये क्या ये बॉडी को आप मूव करा पाओगे, नहीं मूव करा पाओगे, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हमने नाम दिया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम को यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अभी सपोज करो दैट हम लोग एक बीम बैलेंस लेते हैं। बीम बैलेंस समझते हो आप, बीम बैलेंस क्या होते हैं, बीम बैलेंस जिससे हम लोग मास मेजरमेंट करते हैं ना, आप दुकान पे जाते हो, किराने की दुकान पे जाते हो ग्रोसरी स्टोर में, तो वहां पर आपको कुछ मेजर करके देना होता है, तो वहां पर देखा होगा आपने बीम बैलेंस रखा होते हैं। तो अगर सपोज करो दैट हमने एक एग्जाम्पल और लिया, ये तो हमारा एग्जाम्पल स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पहला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा बिकॉज मैंने यहाँ पर दो बातें की थी, एक के नेट फोर्स को जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए, इस वजह से मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें आपको नेट टॉर्क जीरो करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे दोनों जीरो होने चाहिए एक साथ, यहाँ पर अगर एफ नेट जीरो है तो यहाँ पर आपकी टॉर्क नेट भी जीरो है, इस वजह से ये ब्लॉक ना ही चल रहा है ना ही घूम रहा है। उसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सपोज करो आप एक यहाँ पर बीम बैलेंस इस तरह से आप लेते हो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना दैट ये जो बीम बैलेंस हमारा यहाँ पर है,
ये बीम बैलेंस जो है अभी बैलेंस सिचुएशन में है, मींस जितना वजन इधर रखा हुआ है सेम वजन जो है इधर भी रखा हुआ है, बैलेंस सिचुएशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपका जो भी ये इधर का जो वजन है, इधर का जो वेट है, वो चाहेगा इसको इस डायरेक्शन में घुमाने का, और इधर का जो वेट है वो चाहेगा इस तरह से इस डायरेक्शन में घुमाने का। बट दोनों जो चाहना दोनों जो चाहते हैं कि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दें, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो चाहते हैं, ये चाहते हैं हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करा दें, ये दोनों बराबर अमाउंट में चाहते हैं। इसका ये मतलब हुआ दैट यहाँ पर हमारी जो एंटी क्लॉकवाइज में हमारी जो मोमेंट है, या फिर जो हमारी टॉर्क आप कह सकते हो, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो इक्वल हो जा रही है क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के। क्लॉकवाइज मोमेंट, ये सारी बातें हमने पहले पढ़ ली है बच्चों, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर हो जा रही है। तो आपकी तो नेट फोर्स जो हो जाएगी, टॉर्क नेट जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो टॉर्क नेट जीरो हो जाने का मतलब कि नो रोटेशनल मोशन। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हो दैट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पर भी हमारी नेट फोर्स जो है वो तो जीरो है ही, समझ गए बात, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास एक बुक है और उसे आपने टेबल पे रख दिया है, आपके पास एक बुक है और उसे आपने टेबल पे रख दिया, सिंपल, बहुत आसान भाषा में इस तरह से। तो इस तरह से आप ध्यान दो दैट यहाँ जो बुक है ये टेबल पे कुछ फोर्स लगाती है, टेबल पे ये अपना वेट देती है, ठीक है। और टेबल पे अगर ये अपना वेट दे रही है तो ये टेबल तो चुपचाप नहीं बैठेगा ना, ये डाउनवर्ड में, अब ये टेबल में देखो अब बुक जो है डाउनवर्ड में अपनी फोर्स को ऐसे दे रही है। तो ये टेबल पे जब आप वेट दे रहे हो बुक की, तो बुक बुक पे भी टेबल एक फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे देगा, और ये दोनों जो है इक्वल एंड ऑपोजिट होकर के नेट फोर्स जो है यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बुक जो है वो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, और रेस्ट में ही रहना ये चाहती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल्स आएगा, वो एग्जाम्पल्स किसके आएंगे, तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स होंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैंने लिखा है व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर कोई बॉडी चल रहा है, ठीक है, और हम अचानक से आते हैं और उस पे कुछ छेड़छाड़ करते हैं फोर्सेस के द्वारा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा। जैसे सपोज करो, बहुत आराम से मैं इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा, आप समझ जाओगे। तो अगला जो है वो टॉपिक है एग्जाम्पल्स, किसका एग्जाम्पल्स, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, जो भी एग्जाम्पल्स होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे कि आप समझो, एक डायग्राम में ले रहा हूं, जैसे कि ये कार है, अभी ये रेड वाली कार हमारी है, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। ये रेड वाली कार हमारी है, अभी क्या है बीच में हम लोग फंसे हुए हैं, ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ना आगे एक्सेलरेट कर सकते हैं, ना धीरे हो सकते हैं, ठीक है, ना ही हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड अप नहीं कर सकते, अगर स्पीड अप करेंगे तो इससे जाके कोलाइड हो जाएंगे, अगर हम लोग स्पीड डाउन करते हैं, अगर हम लोग अपनी स्पीड को डाउन करते हैं तो ये पीछे वाली कार आकर के हमें मार देगी। तो ना ही हम लोग अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ना ही हम लोग अपने स्पीड को घटा सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि हमें अपने स्पीड को मेंटेन करके चलना है, मतलब अगर हमारी जो स्पीड या वेलोसिटी अगर हमारी है वो अगर सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें अपनी स्पीड और वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड करके ही रखना है, ना ही इसे बढ़ाना है ना ही इसे घटाना है। बट यहाँ पर फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो
तो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन है, पावर है इंजन की जो फोर्स लगा रही है व्हील्स पे। तो यहाँ पर फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, बट जो हमारी मोशन है वो मेंटेन्ड है। तो अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो। अब अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ते हो तो आप समझोगे, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन दी सेम स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को नाम दिया गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो यहाँ पर जो कार है वो अपने मोशन को मेंटेन रखेगी। दिस रेड कार, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस रेड कार मेंटेन्स इट्स यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड हेयर ऑल्सो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी हमारी नेट फोर्स जीरो है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हमारी जो नेट फोर्स है वो जीरो है। ठीक है? बिकॉज अगर हम लोग अपनी नेट फोर्स जीरो नहीं रखते, अगर सपोज आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे दैट सर अगर नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है तो कार चल कैसे रही है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट अगर सपोज एफ नेट जीरो नहीं होती तो एफ नेट की कुछ भी वैल्यू होना मतलब कार की एक्सेलरेशन होना, और कार की एक्सेलरेशन होना मतलब जो स्पीड है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड वो मेंटेन्ड रह पाना पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे फोर्स इज इक्वल टू जाती मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर सपोज कुछ भी फोर्स लगती है तो फोर्स सपोज करो मान लो 2 ही लग रही है, मास हमारी कार की है 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी उससे ये डिसाइड हो जाएगा दैट हमारी जो वेलोसिटी जो स्पीड है वो कांस्टेंट वो फिक्स नहीं रह पाएगी। तो ऐसा मत सोचना आप दैट कार आगे चल रही है तो फिर हमारी एफ नेट जीरो कैसे है। अरे भाई कार आगे चल रही है बट जो स्पीड है उसकी उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रही है ना, वो तो 10 मीटर पर सेकेंड मेंटेन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर एफ नेट जो है वो जीरो है। तो ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और देखें यहाँ पर, तो और अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आप ध्यान से देखना। ठीक है? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ध्यान दो। जैसे सपोज करो कि कोई एक आदमी जो है पैराशूट लेकर के वो जंप कर जाता है। ठीक है? तो पैराशूट अभी उसने ओपन किया नहीं है, तो पैराशूट उसने ओपन किया नहीं है तो उसकी जो वेट है, यहाँ देखो ये एरो हमने वेट के लिए लिया है। ठीक है? ये एरो हमारा क्या दिखा रहा है, तो ये जो एरो है ये क्या दे रहा है, ये एरो आपको वेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो जब पैराशूट ओपन नहीं है तो अपवर्ड में जनरली फोर्सेस जो है वो ना के बराबर होंगी, तो ये जस्ट इंस्टेंटली ये जैसे ही जंप करता है तो डाउनवर्ड में इसकी वेट जो बहुत भारी है तो वो उसे नीचे लेकर के जाएगी। अभी धीरे धीरे क्या हुआ दैट यहाँ पर ये आदमी एयर का जो फोर्स है, एयर का जो ड्रैग फोर्स बोलते हैं वो भी एक्ट करने लगा है, क्योंकि ये नीचे मूव करता है, इस वजह से अपवर्ड में यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है जो ये आपका ड्रैग फोर्स बोलते हैं इसे। ठीक है? ड्रैग फोर्स कहने का मतलब हुआ एयर जो इस पे फोर्स देगा वो ऊपर की तरफ देगा और वेट जो फोर्स देगा वो नीचे देगा। ठीक है? समझ रहे हो? अभी क्या है दैट अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है हमारा इसका वेलोसिटी तो बढ़ेगा भाई। शुरू में इसकी जो जैसे ये कूद रहा था कूदते टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो इसकी वेट केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी और ये नीचे आराम से जा रहा था तेजी से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई तो हमारा जो एयर का जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ गया है। देखो उसका एरो जो है वो बड़ा हो गया है, और उस किसको बैलेंस कर दिया, तो वेट को बैलेंस कर दिया। तो अब उस पे जो नेट फोर्स है वो एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एफ नेट जो है वो जीरो हो गया। क्यों समझ गए? शुरू में, फिर से मैं बताऊँ तो थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना, मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बस आपके लिए ही लेकर के आया हूँ। जैसे कि फर्स्ट केस में क्या है, वो जैसे ही जंप करता है उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है और उसको तेजी से नीचे ले जा रहा है। अब जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से ऊपर जो एरो है वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। मतलब कहने का मतलब, दिखाने का मतलब कि ऊपर लगने वाला जो एयर का जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है।
और फाइनली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो वेट के बराबर हो गया, मतलब कि अब जो हमारी एफ नेट है, नेट फोर्स, ऊपर की फोर्स डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होके नेट फोर्स हमारी जीरो हो गई है, तो अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा कौन, अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा कौन, तो हमारा जो नीचे कूदा था जो भी इंसान है। तो इस समय पे ये कैसे इक्विलिब्रियम में है, तो इस टाइम पे जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तेजी से, उस टाइम पे ये एक इक्विलिब्रियम अचीव किया है। और इस इक्विलिब्रियम को मैंने बताया था कैसा इक्विलिब्रियम अचीव किया इसने, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब उसने पैराशूट ओपन कर दिया, जैसे ही पैराशूट ओपन करता है उसकी ऊपर की जो एयर की जो फोर्स है ना, वो पैराशूट में पूरी एयर कैप्चर होके बहुत बढ़ गई है, देखो एरो बहुत बड़ी हो गई है, वो वेट से ज्यादा हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए वो जो प्रेशर है, फोर्स है ऊपर वाली, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी घट जाती है। मैंने बताया था, अभी एक एक स्टेप अच्छे से समझो। जैसे ही वो पैराशूट ओपन करता है, ऊपर पैराशूट ओपन करने की वजह से इसकी फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एयर की, वो बढ़ जाती है और इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और फिर वेलोसिटी कम होने से ये जो फोर्स बढ़ा था ड्रैग फोर्स, वो कम होकर के वेट को फिर से बैलेंस कर लेता है, और अगेन ये जो ग्राउंड पे पहुंचता है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतरता है, और उसको हम लोग कहते हैं नेट फोर्स फिर से जो है वो जीरो हो चुका है, क्योंकि इस बार भी अपवर्ड फोर्स ने डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दिया और फिर से ये जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से इस एग्जांपल्स को आपने समझा होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल को, और साथ ही साथ आपने इससे पहले वाले एग्जांपल को भी बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे समझा होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा दैट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, अगर कहीं पर भी आप जैसे कि इस प्लैंक की बात करो, इसे हमने एक फलक्रम में रखा हुआ है, तो कहने का मतलब कि ये पूरा इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। मैंने शुरू में ही बताया दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। अभी यहाँ पर एक आदमी है और इधर एक आदमी है, अभी इसकी वेट किधर लगेगी, इसकी वेट जो लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और इसकी वेट किधर लगेगी, तो इसकी भी वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगी, दोनों की वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो अगर दोनों की वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो ये रोटेशन देना चाहता है अगर, तो ये किस डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस डायरेक्शन में घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज। तो अगर कहीं पर भी, या जैसे यहाँ पर आप पढ़ना स्टार्ट करो, अगर कहीं पर भी इफ दी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल, तो जैसे यहाँ देखो ये कौन सा मोमेंट दे रहा है, ये जो बॉडी है इधर वाला, ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाता है, तो ये सी सॉ जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, और ऐसा सिचुएशन आने पर हम लोग कहते हैं कि यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये एसी का मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, व्हेन समथिंग इज बैलेंस्ड अबाउट अ पाइवट, पाइवट मतलब समझ रहे हो आप, तो कोई भी बॉडी अगर किसी भी पाइवट के अबाउट बैलेंस्ड होती है, तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, समझ गए, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉक, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है। कहने का मतलब हुआ, जैसे सपोज आपके पास कोई भी एक छोटा सा ऐसा स्टिक है और आप इसे इस पॉइंट के अबाउट रख देते हो, ये बैलेंस हो जाता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर लगने वाले जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे वो आपके क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस करके रखे हैं, तभी जा करके ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पाइवट के अबाउट ये बैलेंस्ड है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब आता है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे।
तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अगर हमें वेरीफाई करना है तो उसके लिए मैं एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पर लेना चाहूँगा और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये डायग्राम है हमारा और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये जूम कर लेता हूँ मैं। अभी इसको मैं देखता हूँ दैट यहाँ पर आपको समझाता हूँ दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज क्या करो, आप एक मीटर स्केल ले लो और उसे हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दो, जैसा यहाँ दिखाया गया है। ये मीटर स्केल है और इसे हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया गया है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मीटर स्केल ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सो मीटर स्केल, ठीक है, सो मीटर स्केल है हमारे पास। नाउ सस्पेंड द टू बैलेंसेज ए एंड बी ऑन द मीटर रूल। अब यहाँ पर ध्यान दो आप, जैसे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हमने दो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं। ये हमारा एक ए पॉइंट यहाँ देख पा रहे हो आप और एक बी पॉइंट यहाँ देख पा रहे हो। ए और बी पे हमने दो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं थ्रेड के मदद से, और एक तरफ हमने वेट डब्लू वन, ये डब्लू वन वेट है, और इधर हमने लगा दिया वेट डब्लू टू, क्लियर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो मीटर स्केल है ये टिल्ट कर सकता है, ठीक है, टिल्ट कर सकता है। किधर टिल्ट करेगा, तो जिधर ज्यादा वेट होगा। तो इस वजह से हम लोग ए और बी को एडजस्ट करके लाए हैं और ऐसे जगह पर लाए हैं जहां पर ये मीटर स्केल टिल्ट नहीं कर रहा है, ये मीटर स्केल जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ये मीटर स्केल जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये बिल्कुल भी टिल्ट नहीं कर रहा है। वेट डब्लू वन और डब्लू टू को इस तरह से हमने आगे पीछे एडजस्ट किया है दैट इसे टिल्ट बिल्कुल भी नहीं करने देना है, क्लियर है, समझ रहे हो। शुरू आप खुद से दिमाग लगाओ ना, दैट मीटर स्केल उसको थ्रेड से ऐसे लटकाया, अभी ए और बी पे हमने वेट डब्लू वन डब्लू टू लगा दिया, अभी दोनों वेट इक्वल है नहीं, तो जरूरी तो नहीं है मीटर स्केल हॉरिजॉन्टल रहेगा, जिधर ज्यादा वजन होगा उधर ये टिल्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, ए और बी को खिसकाना है और ऐसे जगह पर ला करके दोनों को फिक्स कर देना है जहां पर ये मीटर स्केल पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रहे, बस, क्लियर है। अब हमें इस लेंथ को देख लेना है, ओ से लेकर के ए तक की लेंथ जो कितनी है L1, फिर हमें ओ से लेकर के बी तक के लेंथ को देख लेना है जो कितनी है L2, क्लियर है। अब हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आप ध्यान दो दैट क्लॉकवाइज मोमेंट कौन देगा। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। सो क्लॉक वाइज मोमेंट ऑफ वेट कौन दे रहा है, डब्लू वन। सो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ वेट डब्लू वन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कौन होगा, वेट ही होगा फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L1 जो हमने मेजर की है। सेकेंड जो है हमारा वो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कौन देगा, ऑफ वेट डब्लू टू। तो डब्लू टू की एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा डब्लू टू इंटू एल टू, डब्लू टू इंटू एल टू, ठीक है। अब देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मीटर स्केल पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम में, लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं इसके बारे में, दैट इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मीटर स्केल इज हॉरिजॉन्टल, व्हेन द मीटर स्केल इज हॉरिजॉन्टल, जब मीटर स्केल हॉरिजॉन्टल है और कंडीशन इक्विलिब्रियम का है, इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट ये पाया गया दैट W1 L1 इज इक्वल्स टू W2 L2। तो भाई ये क्या पाया गया, ये एक्चुअल में हमें मिला क्या, तो W1 L1 इक्वल्स टू W2 L2 मिला ना, और यही तो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट जो आया है,
वो किसके इक्वल हो गया है? एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट। बहुत अच्छे, समझ गए बेटा, तो बहुत आसानी से हमने वेरीफाई कर दिया। सो दिस वेरीफाइज, दिस वेरीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सो दिस वेरीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को वेरीफाई कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हमारा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी बॉडी को अर्थ जो है वो अपने तरफ कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, सारे बॉडीज को। ठीक है, चाहे वो कोई भी बॉडी हो। तो अगर किसी बॉडी को अर्थ, जैसे सपोज करो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मास है, इसकी वैल्यू है m, ठीक है ना, ये मास की वैल्यू m है, तो इसको अर्थ अट्रैक्ट करता है अपने तरफ और इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगता है। तो बच्चों बात आती है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ पर लग रहा होगा, है ना, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये कहाँ पे लग रहा होगा, किस पॉइंट पे लग रहा होगा, है कि नहीं? ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है क्योंकि इतना बड़ा बॉडी है। अब इसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस बॉडी पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे लग रही होगी? तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो पार्टिकल पे लगता है इसी को हम लोगों ने वेट का नाम दिया है। तो अगर कोई पूछे आपसे वेट क्या है, वेट किसको कहते हो, तो वेट जो होता है वो एक्चुअली किसी भी बॉडी का अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ उस पे लगाता है, तो वेट होता है। तो बच्चों जब वेट की आप बात करोगे तो ये जो बॉडी है या कोई भी बॉडी है, कोई भी एक रैंडम बॉडी भी अगर मैं ले लूं, सपोज कि मैं एक डायग्राम यहाँ पर लाता हूँ और कोई भी एक रैंडम बॉडी जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मैंने एक रैंडम बॉडी ले ली, सॉरी मैं गलत डायग्राम ले आया, मैंने एक रैंडम बॉडी यहाँ पर ले ली है और वो रैंडम बॉडी जो है वो ऐसे है, ठीक है, इरेग्युलर शेप है। तो इस बॉडी को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस बॉडी को अर्थ अगर अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है, कोई एक पार्टिकल से नहीं बना है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और ये पूरा जितना भी पार्टिकल्स है ये जब पूरा मिल जाता है तो ये कंबाइंडली एक बॉडी का फॉर्म ले लेता है, एक मास दे देता है यहाँ पे और उसे अर्थ अपने तरफ खींचता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सारे पार्टिकल्स पे लगेगा इंडिविजुअली और सबकी डायरेक्शन आपको देखो यहाँ डाउनवर्ड दिखाई गई, 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबकी एक कंबाइंड वेट जो है वो डाउनवर्ड दी गई है। और ये W क्या है यहाँ पर, तो W जो है वो इंडिविजुअल बॉडीज के जो भी यहाँ पर वैल्यूज थे वेट के, W1+W2+W3 जहां तक भी जाना है ये टोटल हमारा वेट होता है। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं दैट जो वेट W है ये एक ऐसे पॉइंट पे लगता है, एक ऐसे पॉइंट पे लगता है जहां पर पूरे वेट को माना जाएगा कि ये वेट इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर पूरे बॉडी के वेट को एज्यूम किया जाएगा ये कंसंट्रेटेड है, ये यहां पर है। और दूसरे भाषा में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके लैंग्वेज में अगर आप समझो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट टोटल मोमेंट, टोटल टॉर्क, सारे इंडिविजुअल वेट्स का जो है वो जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेट W1 है, W2, W3, W4, W5 बहुत सारा वेट है, सबका टॉर्क आप ले सकते हो किसी एक पॉइंट के अबाउट। और जब यहाँ पर ये अगर W7 की बात की जाए, पार्टिकल जो सातवां जो पार्टिकल मैंने माना है यहाँ पे सातवां पार्टिकल का अगर वेट है डाउनवर्ड है और इसकी टॉर्क मान लो आप G पॉइंट के अबाउट लेते हो तो ये घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप टॉर्क लेते हो आठवें पार्टिकल की तो ये घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप टोटल टॉर्क निकालोगे और जिस पॉइंट के भी अबाउट, जिस भी पॉइंट के अबाउट,
चाहे जी हो या कोई भी पॉइंट हो, जिस भी पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क की वैल्यू, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस पॉइंट का नाम दिया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा जो मैंने पहले बताया, मैं अभी भी वो फिर से एक बार बताऊंगा, दैट ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी के पूरे वेट को, टोटल वेट को एज्यूम, मतलब माना जाए कि टोटल जो बॉडी का वेट है वो वहां उस जगह पर है, उस पॉइंट पे लाई करता है। तो डेफिनेशन अगर आप स्कूल या एग्जाम में लिखोगे बच्चों, तो डेफिनेशन आपको ये लिखना है जो मैं अभी लिख रहा हूँ आपके लिए, दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, द सेंटर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी is a point about which the net moment या net torque of किसके of weights of all particles particles in the body is zero। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट जितने भी पार्टिकल्स है सबका वेट का टॉर्क अगर आप निकालो जीरो हो जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाए, वैसा पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सोचना है दैट क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, पोजीशन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है, क्या वो मास पे डिपेंड्स करेगा? तो बिल्कुल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसी भी बॉडी का गिवन मास क्या है उस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज वेट जो है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है, मास इंटू जी, एम जी लिखते हैं हम लोग लिखते हैं mg, तो मास पे तो वेट डिपेंड कर रहा है ना, तो इस वजह से किसी भी पॉइंट का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो मास पे डिपेंड करेगा, बॉडी का जो मास है वो कितना है, शेप कैसा है, ये इस पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ अगर बॉडी को आप डिफॉर्म कर दो, मतलब कि पहले कुछ शेप साइज अलग था और उसे आपने डिफॉर्मेशन दे दी, उसे आपने तोड़ मरोड़ दिया, तो उस पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है। अब जैसे आपसे कोई पूछे वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, अभी ये यूनिफॉर्म वायर है और इसकी लेंथ है मान लो एल, तो ये यूनिफॉर्म वायर मतलब हर जगह एक समान है, आपको यहाँ पे जो वायर है वो हर जगह पर एक जैसी है, कहीं पर पतला कहीं पर मोटा नहीं, सब जगह बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहाँ पे होगी, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इसके बीच में एकदम मिड पॉइंट पे रहेगी, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी वो आपके मिड पॉइंट पे रहेगी, है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हो गया है। लेकिन अगर हम लोग इस वायर को बेंट कर देते हैं, सपोज करो कि हमने इस वायर से एक ऐसे सर्कल बना ली, ठीक है, तो इस सर्कल में अब तो क्या, अब क्या इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहीं पर इसके कहाँ पे होगी, मिड पॉइंट पे, मतलब ये सेंटर पे होगी। अब हमारी जो सेंटर है वो हमारी हो गई है कौन सी पॉइंट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट, समझ गया। तो आपने बॉडी के शेप को तो चेंज कर दिया ना, तो ये यूनिफॉर्म वायर से हमने एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल आप यूनिफॉर्म बनाना बच्चों, यहाँ पर सर्कल आपको बिल्कुल ऐसे बराबर बनाना है सब तरफ से, ठीक है। तो आपने समझ गया क्या कह रहा था मैं, दैट यहाँ पर कि अगर आप बॉडी के शेप साइज को चेंज कर दो तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट ऑलवेज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये भी आप लिख सकते हो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये हमेशा जरूरी नहीं है
सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल मतलब ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा बॉडी का जो मटेरियल है उसी के अंदर आए। जैसा कि इसने सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कल के सेंटर पे जहां पे कोई मटेरियल तो है नहीं, तो ये डिपेंड करता है। ओके, अब मैं कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा जो आप यहाँ समझोगे दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कैसे किस में क्या क्या है। जैसे कि हमारा पहला ये एक डायग्राम मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। आप इस केस में देखो दैट आपके जो पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो कैसे कैसे है यहाँ पर। जैसे कि ये हमारी एक सिलेंडर है, ठीक है। अभी इस सिलेंडर के केस में ये हमारी सॉलिड सिलेंडर लो या हॉलो सिलेंडर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ सब लिख दे रहा हूँ ताकि आप बाद में जब पढ़ो तो आपको याद आए। ये सॉलिड सिलेंडर और हमारा चाहे फिर और हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ये एक्सिस के अलोंग देखो इस जगह पर लाई करेगी, एकदम मिड पे लाई करेगी। अभी जैसे मान लो कि मैंने सर्कल बताया, हो सकता है सर्कुलर प्लेट हो, तो सर्कुलर प्लेट अगर होता है तो सर्कुलर प्लेट के केस में भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके एकदम बीच में सेंटर में। अब जैसे हो सकता है एक ऐसा प्लेट हो जो ट्रायंगुलर प्लेट हो, तो ट्रायंगुलर प्लेट अगर होगा तो उस केस में हम लोग का कहां पर होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये है ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, ट्रायंगुलर लेमिना प्लेट जो बोलना है। तो जो इंटरसेक्शन होगा मीडियंस का, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस आप बनाओगे सारे वर्टिसेस से और उसी जगह पर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा जो कोन है, ठीक है। अभी ये सर्कुलर मतलब सॉरी कोन जो है ये हॉलो भी हो सकता है और हमारा ये क्या बोलते हैं आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो जब आपका कोन सॉलिड होगा उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह पर होती है, और जब आपका कोन हॉलो होगा बीच से खोखला होगा तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होती है। मैं दोनों के यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि जो डायग्राम यहाँ पर गिवन है ये आपको सॉलिड कोन के लिए गिवन है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये आपका सॉलिड कोन है, ठीक है। वो आपका पॉइंट कौन सा होगा, h/4। तो h/4 आपका कहाँ से, h/4 आपका फ्रॉम द बेस, तो बेस से ऐसे है, ठीक है, बेस से डिस्टेंस मेजर करना है ऊपर से नहीं। तो h/4 फ्रॉम द बेस। अगर मान लो कि आपका जो कोन है वो हॉलो है, तो हॉलो कोन होने पर थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे कोन के केस में बदल जाती है, वो h/3 फ्रॉम द बेस हो जाती है, h/3 फ्रॉम बेस। आप ऐसे यहाँ सब ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर पाओ। नेक्स्ट हमारा है डायग्राम है जो ट्रायंगुलर प्लेट है। तो ट्रायंगुलर प्लेट में आप क्या करो कि जो भी हमारा डायगोनल्स है उसे इंटरसेक्ट करा दो, सॉरी रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में आप क्या करो, डायगोनल्स जो है उनको इंटरसेक्ट करा दो, वही हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रेक्टेंगुलर प्लेट, या ज्योमेट्रिकल सेंटर भी आप कह सकते थे यहाँ पे, तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन वाले जगह पर देख रहे हो यहाँ। अभी जैसे ये सर्कुलर रिंग है, तो ये हमने रिंग है, थिक रिंग है, तो यहाँ पर सेंटर में इसकी है। तो इस तरह से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो है वो पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है दैट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये, उम्मीद है नोट कर लियोगे आप। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो लेक्चर आप देख रहे हो, अगर इसको देखने के बाद आपके मन में कोई सुझाव आता है जो आप हमें देना चाहते हो, हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हो, हमें आप इस पते पर लिख सकते हो, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हो, और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, तो आप किसी ऑनलाइन कोर्स को अगर आप पर्सनल ट्यूटरिंग के द्वारा ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा दैट
हमारे पास जो भी केस आए हैं इसमें हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट के बारे में, हमारा अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट क्या समझते हैं बच्चों? आप देखो यहाँ पे, जैसे आप एक मीटर स्केल ले लो, आप एक मीटर स्केल ले लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट। इसके लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारे पास कोई डायग्राम अगर अवेलेबल है तो। हाँ, जैसे कि एक डायग्राम आप देखो, एक इमेज मैं लेकर के आया यहाँ पे आपके लिए। तो ये जो हमारी इमेज है, इस केस में आप ध्यान दो दैट हमने एक मीटर स्केल लिया, ठीक है, और इस मीटर स्केल को एक सपोर्ट पे रख दिया है। जो मीटर स्केल है उसको एकदम सपोर्ट पे रखा, एकदम सेंटर को, मतलब कि आप अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे तो मीटर स्केल कहाँ तक जाता है? 100 सेंटीमीटर तक। तो इसका जो बीच वाला पॉइंट है ये कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट है? तो ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट के अबाउट बैलेंस किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेते हो, जैसे सपोज करो यही मीटर स्केल आप ले रहे हो, और इसे बीच पे ना रख करके, आप इसे सेंटर पे इसके नहीं रख करके, आप जो है उस पॉइंट को, फलक्रम को यहाँ रख देते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि इसका जो वेट है वो तो इस जगह पर लगेगा, और ये हमारा बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर आप कह सकते हो पाइवोटेड पॉइंट। तो फिर हमें यहाँ पर इसकी वेट से फोर्स मिल जाएगी और कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि हमें एक टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी वेट की वजह से। तो ये जो है ये स्टेशनरी ना रह करके ये ऐसे जो है ऐसे घूम जाएगा। आगे बात समझ में? तो जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट बैलेंस इसलिए किया जाता है, कर सकते हैं बिकॉज, जैसे कि अगर मैं इसी वाले डायग्राम को अगर मैं लेता, अगर मैं इसी डायग्राम को लेता और उसमें ये दिखाता दैट, अगर मैं ऐसा दिखाता कि मैं इस पॉइंट को यहाँ पर, इस पॉइंट के अबाउट मैंने फलक्रम रख दिया जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, तो अब यहाँ पर आपको जो फोर्स होगा वो तो इसी पॉइंट से नीचे की तरफ लगेगा। तो इसी पॉइंट से फोर्स हमारा नीचे की तरफ लगेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अब हमें मिल नहीं रहा है, तो टॉर्क हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो इस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमने किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस होते हुए देखा है, ये हमारा नियम इसमें हमने पढ़ा। अगला टॉपिक हमारा आएगा कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इरेगुलर शेप है उसका, और हम लोग उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो टॉपिक आप लिखोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेग्युलर प्लेट या लेमिना ऑफ एन इरेग्युलर प्लेट और लेमिना, कोई इरेग्युलर प्लेट या फिर लेमिना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, और इसके लिए मेथड जो यूज करेंगे हम लोग, वो मेथड का नाम है बाय यूजिंग मेथड ऑफ बैलेंस, सॉरी, बाय मेथड ऑफ बाय मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग अ प्लम्ब लाइन, यूजिंग अ प्लम्ब लाइन, PLUMB, प्लम्ब लाइन के मदद से हमें अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलो बहुत आसानी से समझेंगे। एक डायग्राम मैं इसके लिए आपके लिए लेकर के आता हूँ। जैसे कि ये हमारा
एक डायग्राम यहाँ पर आया है, इसी से मैं समझाऊंगा दैट इस मेथड में हो क्या रहा है, कर क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको करना क्या है कि पहले इसमें आपको तीन होल बनाने, ये इरेगुलर शेप का ये ऑब्जेक्ट है, तीन होल बनाने। पहला देखो, आपको मैंने यहाँ बनाया ए पे, दूसरा होल बनाया बी पे और तीसरा होल बनाया सी पे। ऐसे तीन होल आपको साइड्स में बना लेने हैं जो भी इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ए बी सी होल ए और बी और सी पे बनाया। अब क्या करो कि एक नेल के जरिए, दीवार पे लगी हुई नेल के जरिए इस ए पॉइंट के अबाउट इसे सस्पेंड कर दो और ये जो थ्रेड है इसमें एक ऑब्जेक्ट जो ऐसे बांध दो, तो ये ग्रेविटी की वजह से थ्रेड सीधा हो जाएगा। वेट यहाँ पे ये है ना वेट, इसको अर्थ जो है अपने तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये थ्रेड जो है टेंशन की वजह से पूरा स्ट्रेट यहाँ पर रहेगा। अब आपको करना क्या है कि इस थ्रेड के अबाउट पूरा थ्रेड जो है, सीधा थ्रेड जो है इसमें क्रॉस 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 ऐसे हम लोग लाइन बना देंगे। बन गया रेड लाइन, बना दिया। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये तो स्टेप वन हो गया आपका, ये स्टेप वन हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये स्टेप में आप क्या करोगे दैट कि अब हमें इस बॉडी को दूसरे होल के अबाउट सस्पेंड करना है। मान लो कि वो होल हम लोग बी ले ले रहे हैं और बी के अबाउट हम लोगों ने इसे सस्पेंड कर दिया ऐसे नेल के जरिए दीवार में लगी हुई। फिर से उस थ्रेड को हमने बी से लेकर के छोड़ दिया तो वो नीचे नीचे चला गया सीधा होकर के। अब आपको बी के अबाउट जो है ना क्रॉस, मतलब लाइन, डॉटेड लाइन जो है बी के अबाउट ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप पे हम लोग आते हैं और थर्ड स्टेप पे भी आपको थर्ड होल के अबाउट जो कि हमारा सी है उसके अबाउट सस्पेंड करना है और थ्रेड को पूरा सीधा लटका देना है। वो सी बिल्कुल सीधा हो जाएगा क्योंकि इस पे एक वजन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अब क्या करो, अब आप सी के अबाउट ऐसे क्रॉस बना दो। तो आप समझ गए होगे आप दैट कि ये जो लाइंस आपने बनाए रेड कलर के, पहले ए से होते हुए, फिर बी से होते हुए, फिर सी से होते हुए, ये तीनों देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों आप देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा मिल जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, समझ गए। बहुत ही आसान तरीका था, इससे आसान क्या हो सकता है किसी बॉडी के, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानना चाहते हो तो इससे आसान क्या तरीका हो सकता है। तो आई बात समझ में किस तरह से करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपके बुक्स वगैरह में भी ये दिया होगा ये मेथड, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है पहले इसकी बात कर लो। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हम लोग बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, हर जगह देखते हैं। जैसे कि आपने एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस तरह के झूले अपने बचपन में झूले होंगे, मेला अगर जाते होगे पेरेंट्स के साथ या भैया के साथ किसी के साथ भी, तो इस तरह के झूले लगे रहते हैं मेले में, तो वहां पर आप इस पे जरूर एक ना एक बार सवारी किए होगे। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लोग कैसे घूम रहे हैं, ये लोग गोल चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस हमारा ये लंबा सा जो खंबा है इसके अबाउट ये चार सारे लोग जो है वो चक्कर काट रहे। तो इस तरह का मोशन हमारा जहां भी दिखता है हम इसे सर्कुलर मोशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, या फिर आप इसमें भी देखो, अगर ये जो मोशन है हमारा, तो इस मोशन में भी आप ध्यान दो दैट इस मोशन में भी तो बॉडी कैसा मोशन कर रही है, जितने भी लोग चढ़े होंगे इस झूले पे वो कैसे कैसे घूम रहे हैं, तो वो जो है वो सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो सर्कुलर मोशन बहुत सारे जगह पर होता है बच्चों। तो दो एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी बात आप समझ सकते हो दैट सर्कुलर मोशन किसे हम लोग कहते हैं। तो जब भी बॉडी का पार्ट जो है वो सर्कल में घूमे या कर्व बनाए बॉडी, तो जनरली उसे हम लोग सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। अभी यहाँ पर आपका एक और टर्म आ गया दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बहुत ही आसान डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख के दूंगा आपको दैट कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ अ
कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ its motion is said to be uniform circular motion. its motion is said to be uniform circular motion. ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा दैट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है. तो जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में घूमे, गोल गोल चक्कर काटे, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे इसमें इसकी अगर बात करो, जो एग्जांपल मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, अगर आप इसकी बात करो तो इस केस में जो बॉडी है, ये बॉडीज आपस में कैसा मोशन यहाँ पर कर रहे हैं. तो ये जो बॉडीज है ये पहले रेस्ट पे होते हैं, फिर धीरे धीरे तेज होता है, फिर धीरे धीरे तेज होता है. तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो स्पीड है वो एक समान हमेशा नहीं है. तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ. ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ. अब देखो, अब बात आती है कि क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में. तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं. सर्कुलर मोशन जहां भी आता है, वेलोसिटी का कांस्टेंट होना नामुमकिन है. क्यों? क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन कहीं पर भी हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो पार्टिकल अभी इस ये वाला आदमी ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर ये आदमी यहाँ पहुंच जाएगा तब तो ये भाई इस तरह से जा रहा होगा ना. और जब यही आदमी आपका यहाँ पर था तब तो ये ऐसे जा रहा था ना. और जब यही आदमी आपका एकदम नीचे था, यहाँ पर था, तब तो ये इस तरह से जा रहा था ना. तो क्या इस आदमी का, इस पर्सन का जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मोशन की जो डायरेक्शन है, क्या वो मोशन की डायरेक्शन कांस्टेंट है या कभी इस तरफ थी, कभी इस तरफ थी, कभी इधर थी? हर इंस्टेंट पे, एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन करने की जो दिशा है, एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर मोशन चेंजेस. एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा बॉडी का, एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस. सो कहां पे चेंजेस? इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन सो वेलोसिटी कैन नेवर बी कॉन्स्टेंट. सो वेलोसिटी कैन नेवर बी कॉन्स्टेंट मतलब कि सर्कुलर मोशन के केस में हमेशा आपको एक डायरेक्शन में परिवर्तन दिखता है. बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन करेगा, बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी. हमेशा उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे आगे बढ़ते ही वो बदल जाएगी. तो ऐसा होने पर वेलोसिटी जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और बॉडी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है उस पे वेलोसिटी डिपेंड करता है. तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी चेंज आती है, मोशन की डायरेक्शन में कोई भी चेंज आती है, दैट मींस इसका साफ साफ ये मतलब है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की भी बदल गई है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रही. अब जैसे मान लो कि एक आदमी है, वो आगे बढ़ रहा है ऐसे, अगर हम इसकी वेलोसिटी ले रहे हैं 5 meter per second प्लस में, तो जब ये उल्टा जाएगा सेम उसी तरह से, तो इसकी वेलोसिटी आप 5 नहीं ले सकते, इसकी वेलोसिटी आपको लेनी पड़ेगी -5 meter per second, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई है. बट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. अगर वो आगे आप +5 ले रहे हो ना, +5 meter per second, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो पीछे भी जाएगा तो वही होगा, +5 meter per second ही होगा, बिकॉज ये स्केलर है, इसे माइनस लेकर के कुछ यहाँ साबित आप नहीं कर सकते, इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है.
तो सर्कुलर मोशन में बॉडी का डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट होता है? नहीं। दैट मींस वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट होगा? नहीं। स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, अब डायरेक्शन से क्या लेना देना। अगर कोई बॉडी हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही चक्कर काट रहा है, हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही चक्कर काट रहा है, तो स्पीड कोई थोड़ी चेंज हो रही है, स्पीड तो सेम है ना, कांस्टेंट है ना, बट डायरेक्शन बदल रही है, इस वजह से हम लोग कह देंगे दैट वेलोसिटी भी यहाँ पे चेंज हो जा रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। तो इतना बात करने के बाद स्टूडेंट्स आप ध्यान देना दैट यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ में किसी एक पर्टिकुलर समय पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, कैसे लेते हो डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करना है। तो जैसे मैं एक सर्कल यहाँ पे सपोज ऐसे बना लेता हूँ, सर्कल मैं एक बना लेता हूँ आपके लिए, परफेक्ट सर्कल में बनाऊंगा। सो यहाँ देखो आपको एक परफेक्ट सर्कल मिला है। अभी इसमें आपका अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो आप क्या करो कि इस सर्कल पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो जो इसको टच करके बाहर जाएगा इस तरह से, मीन्स इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को टच करके निकले। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो टेंजेंट ऐसे होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो टेंजेंट ऐसे होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो टेंजेंट ऐसे होगा। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये हो गया दैट कि पार्टिकल जहां भी होगा उसमें टेंजेंट बना दो एरो के साथ, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हर जगह पर देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो रही है यहाँ पर आपके सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है बहुत ही इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी सपोज आपसे कोई पूछ दे, अचानक से रैंडमली आपसे कोई सवाल कर दे दैट बच्चे तुम बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो बच्चे आप बता दो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या अंतर है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरफ और एक तरफ मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं बाद में जब नोट्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और एक तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो बच्चे दैट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब ये होता है दैट बॉडी जो है अनएक्सिलरेटेड होगी, बॉडी जो है वो अनएक्सिलरेटेड बॉडी, अनएक्सिलरेटेड मोशन होता है ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मीन्स इसमें जो एक्सिलरेशन होती है वो जीरो होती है। ठीक है, मीन्स इसमें जो है वेलोसिटी आपकी, मैं अगर पूरा लिखूं यहाँ पे तो आप ऐसे लिखो दैट इसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है और स्पीड तो कांस्टेंट होगी ही, तो यहाँ पर वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, बट आपके जो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मीन्स इसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। क्यों? बिकॉज इसमें वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट इक्वल टू का साइन है ये, सो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी बट स्पीड इज कॉन्स्टेंट। तो इस वजह से अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है तो हमारा जो बॉडी होगा वो एक्सेलरेट करेगा, समझ रहे हो बात, बॉडी जो होगा वो एक्सेलरेट करेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना मतलब कि चेंज करना, तो चेंज करना वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बीच में आपको ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, फिर हम लोग फाइनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे चलेंगे और ये चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
तो बस सर बच्चे सोच रहे होंगे अब क्या हो गया है, सर को यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए क्या? तो हाँ बिल्कुल, एक सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए हमेशा एक कंटिन्यूअसली एक फोर्स चाहिए होता है। जैसे सपोज आप किसी स्टोन को ले लो, तो स्टोन की जगह पर मैंने यहाँ पर प्लेन दिखा दिया है, ठीक है, और एक स्टोन आप ले लो और उस स्टोन को एक धागा से बांध दो, जैसे कि यहाँ पर ये मान लो ये स्टोन ही है और उसे एक थ्रेड से बांध दो और उसे पूरा ऐसे एक स्ट्रेट पाथ में ना ऐसे करके, आप देख रहे हो यहाँ पे गोल ऐसे स्ट्रेट पाथ में ऐसे इसे घुमाओ, तो हमेशा ये थ्रेड जो है वो सेंटर की तरफ ऐसे रहेगा, सेंटर की तरफ ऐसे रहेगा, इसके हाथ में रहेगा। तो ये जो थ्रेड है ये हमेशा स्ट्रेच्ड रहेगा, ऐसा नहीं कि थ्रेड जो है वो ढीला रहेगा, हमेशा स्ट्रेच्ड रहेगा। तो जब भी कोई थ्रेड स्ट्रेच्ड रहता है तो उस पे एक फोर्स लगता है, उस थ्रेड में एक फोर्स होता है और उस फोर्स का नाम होता है टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन, वो वाला टेंशन नहीं जो आप लेते हो, ये अलग टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स हमेशा जब भी स्ट्रिंग टाइट होता है या स्ट्रेच्ड होता है तो उसमें लगता है। और इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो जो टेंशन फोर्स होता है इसका डायरेक्शन जो है जहां पर पॉइंट बंधा होगा उसके अपोजिट में, मतलब ऐसे यहाँ पॉइंट बंधा हुआ है इसके अपोजिट में, यहाँ पॉइंट बंधा हुआ है इसके अपोजिट में, यहाँ पॉइंट बंधा हुआ है इसके अपोजिट में, यहाँ पॉइंट बंधा हुआ है इसके अपोजिट में। तो आप यहाँ देखो कि जब ये स्टोन पूरी तरह से इस सर्कल में घूम रहा है तो हमेशा एक फोर्स है जो रस्सी के थ्रू हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करके है। और जैसे कि यहाँ पर अगर ये सर्कल जो मैं यहाँ दिखाया था इसमें अगर सपोज करो कि पार्टिकल यहाँ पर है और अभी ये जाना चाहता है इधर, बट सेंटर की तरफ एक फोर्स ऐसे था तो ये धीरे धीरे इसे खींच करके इसके पाथ को चेंज कर देता है और अभी यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पहुंचता है तो अभी ये इधर जाना चाह रहा था, बट फिर ये जो सेंटर की तरफ जो फोर्स डायरेक्शन में है वो खींच करके फिर इसके पाथ को चेंज कर देता है। फिर अभी ये इधर जाना चाह रहा था बट ये फोर्स हमेशा कंटिन्यूअसली जो है सेंटर की तरफ लग ही रहा है तो इसे हमेशा सेंटर की तरफ जो है वो खींचते ही रहता है। तो समझ गए आप, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो पार्टिकल को बॉडी को सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ पुल करे और उसके पाथ में हमेशा जो है चेंज लाए, डायरेक्शन में हमेशा चेंज लाए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन जब आप लिखते हो तो आप ये लिखते हो कि दी मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज पॉसिबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स विच इज सेंट्रिपिटल फोर्स। ऐसे सेंट्रिपिटल फोर्स जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो सेंट्रिपिटल का मतलब ही होता है, सेंट्रिपिटल जो आप यहाँ लिखा है मैंने, सेंट्रिपिटल जो है इसका मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर को चाहने वाला, सेंटर की तरफ जाने वाला, सेंटर सीकिंग सेंटर की तरफ खींचने वाला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स। तो आप समझ गए दैट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख देता हूं मैं डेफिनेशन ताकि आप बाद में इसे याद कर पाओ। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पे लगेगा। अब यहां पर इसके बाद इसकी डायरेक्शन लिखी हुई है, इन ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द टुवर्ड्स इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया बच्चों, मुझे माफ करना इसके लिए। इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर,
ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सेंटर की तरफ ये एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तब लगता है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर के आता हूँ। जैसे सपोज करो दैट मैं ये एग्जांपल ला रहा हूँ, देखो ये एग्जांपल है, जैसे ये अर्थ है और इधर आपको सन दिख रहा है, ठीक है ना। तो अर्थ और सन जो है यहाँ पर, यहाँ देखो हमेशा जब भी ये सर्कुलर मोशन करेगा, अर्थ जो है हमारा प्यारा सा अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं, और अभी फिलहाल तो आप समझ ही रहे हो माहौल कैसे, तो ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। तो जो अर्थ है वो हमेशा एक ग्रेविटेशनल पुल की तरफ ऐसे हमेशा ये सन की तरफ अट्रैक्टेड होता है, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर, यही हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है, यही हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और यहाँ पर अर्थ के सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अर्थ जो सर्कुलर मोशन करेगा सन के चारों तरफ, तो ये एरो जो अंदर की तरफ आप देख रहे हो, ये सन अर्थ को अपने तरफ खींचता है ग्रेविटेशनल पुल के साथ, वही यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करता है और अर्थ के मोशन को कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में सन के चारों तरफ बनाए रखता है, ठीक है। तो मैंने दो एग्जाम्पल दिया, एक तो एग्जाम्पल दिया सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने दिया कि टेंशन फोर्स भी ग्रेविटेशन सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। दो तरह के एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे कि होता है आपका किसी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब एटम के अराउंड होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड होता है, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करता है। फ्रिक्शन भी बहुत जगह पर सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करता है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे बच्चों, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करोगे, मैं इंस्टेंटली आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा डिले होता है तो एटलीस्ट 1 दिन के अंदर तो मैं आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, तो ये सियोरिटी मेरी तरफ से है। आप बेझिझक आप अपने कॉमेंट्स, जो भी डाउट आपके इसमें आ रहे हैं, मेरे पढ़ाते टाइम मैं आपसे बात नहीं कर सकता, तो इस वजह से जो भी लेक्चर रिकॉर्ड होकर के शूट होकर के जब ये अपलोड हो जाएगा, उस टाइम जब आप ये देख रहे होगे और जब आप मुझे फील कर रहे होगे कि सर हाँ आप पढ़ा रहे हो और मुझे कुछ कुछ डाउट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो सारे डाउट्स आप एक एक करके कमेंट करना, और उन सबके मैं इंडिविजुअली आपके जवाब दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का समय आपको मुझे देना होगा, उसके बाद सारे जवाब आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे बच्चों, वो हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। बहुत देर के बाद और बहुत ही अच्छे से आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, इसके लिए मैं आपका एक बार 1 मिनट का टाइम लेकर इतना बड़ा सा कुछ लिखना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए, लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करता हूँ आप भी चाहते होंगे कि और भी लोग इस वीडियो लेक्चर का फायदा उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट स्टूडेंट्स, एक लेक्चर बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होने से हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो है आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अपना लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं, जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो क्या है और इसे समझना क्यों जरूरी है, ये सर्कुलर मोशन में क्या रोल प्ले करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में क्या है, जैसे कि कोई भी बॉडी अगर मान लो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा दिया और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात आती है कि अगर किसी भी बॉडी पे सर्कुलर मोशन के टाइम पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी तो
इस फोर्स की वजह से अंदर की तरफ खींचे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका ये मतलब हुआ कि इस फोर्स के ऑपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा होगा, और उसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले डेफिनेशन, फिर थोड़ा बारीकी से इसे समझेंगे। तो देखो क्या है कि अ फोर्स जो मतलब कि आपका सेंटर से बाहर की तरफ लगे और ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो, अ फोर्स विच इज एज्यूम्ड टू बी, अ फोर्स एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मतलब मानना, अ फोर्स एज्यूम्ड, ठीक है, बाय एन ऑब्जर्वर। मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा, अ फोर्स एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग इन सर्कुलर मोशन A force assumed by an observer moving in circular motion to act away from the center of circular motion. A force assumed by an observer, ये observed नहीं है, observer है, ठीक है। अ फोर्स एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन टू एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट इज अ फिक्सियस फोर्स, इट इज अ फिक्सियस फोर्स। फिक्सियस मतलब जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ध्यान दो, अब आते हैं समझने पे और अच्छे से बारीकी से समझना है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन जो है इसमें रह जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर के आता हूँ। हाँ ये देखो, ये मैं पहले लाता बट अभी ले आया हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये जो डायग्राम है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें कुछ बच्चे जो है ये सर्कल में ऐसे घूम रहे थे, ठीक है। आप भी मान लो आपके फ्रेंड्स और आप उन लोगों के साथ में ऐसे घूम रहे हो, तीन बच्चे हैं। अभी ये जो बीच वाला बच्चा, ये बहुत बदमाश है, ये बीच वाला बच्चा बहुत बदमाश है। ये क्या होता है ना कि सब तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के इस पोल के हिसाब से ये साथ में ऐसे घूम रहे थे, बट ये कुछ ज्यादा ही बदमाश था। तो इसने क्या किया कि जो थर्ड वाला बच्चा है उसका हाथ छोड़ दिया। अब ये बेचारा किधर चला गया, बाहर की तरफ चला गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सब एक दूसरे को दे रहे थे अंदर की तरफ हाथ से पकड़ के, लेकिन जैसे ही इसने इसका हाथ छोड़ा ये फोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन ये जिंदा रह गया और ये बाहर की तरफ लग रहा था और बच्चा जो है बाहर की तरफ चला गया, समझ गए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हुआ है। तो आप इतना तो समझ गए दैट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लगता है एक अंदर की तरफ, दूसरा बाहर की तरफ। तो अब बात आती है कि ये फिक्सियस फोर्स क्यों है और ये केवल उसी ऑब्जर्वर को क्यों दिखेगा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप समझो, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि अ फोर्स एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर देखने वाला जो सर्कुलर मोशन में होगा उसको दिखेगा, और किधर दिखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन दिखेगा, साथ ही साथ ये फिक्सियस फोर्स होगा। ये सारी बातें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। आप देखो, तो चलो ये डायग्राम मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सर्कुलर मोशन को होते हुए देख रहे हो, ठीक है। आप एक सर्कुलर मोशन को होते हुए देख रहे हो, ये आपकी आंख है। और सपोज यही एग्जांपल लो कि एक पत्थर में रस्सी बांध दी है हमने और उसे गोल गोल हम लोग घुमा रहे हैं, मीन्स ऐसा मोशन चल रहा है। एक रस्सी ली है, उस पर पत्थर लिया है और उसे ऐसे गोल गोल हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद अचानक से जो रस्सी है वो टूट जाती है, तो क्या होगा, है ना। आप सर्कल में ऐसे बीच में हो और आप मोशन को होते हुए देख रहे हो, तो देखना आप यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। रस्सी टूट चुकी है और ये जो पत्थर यहाँ पर था वो अब किधर जाने लगेगा, तो रस्सी के टूटने की वजह से कौन सा फोर्स खत्म हो जाएगा, रस्सी की टूटने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा, बिकॉज टेंशन फोर्स ही तो थी
जो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स बनाए रखी थी, और रस्सी टूटने से तो टेंशन फोर्स खत्म, रस्सी में खिंचाव खत्म, सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म। तो अब ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बिकॉज इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी उस टाइम पे है, और वेलोसिटी उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में इस तरह से है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जो पार्टिकल है अब इस लाइन के अलॉन्ग स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है, और आप बीच में खड़े थे, तो जब आपकी रस्सी टूटी तो आप यहाँ देख रहे थे, फिर जब ये पत्थर आगे गया तो आप भी घूमते हुए आगे चले गए, और आप यहाँ पत्थर को देख रहे हो। अभी जब ये पत्थर यहाँ चला गया तो आपकी आंख और आगे घूम गई, फिर आप जब पत्थर यहाँ चला गया तो भी आपकी आंख घूम गई है, क्योंकि आप इसके साथ प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप भी घूम रहे हो। तो ये जो बॉडी है ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको अपने से थोड़ा दूर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, पहले यहाँ दिखा, अभी यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ दिख रहा है, तो आपको तो बॉडी दूर जाता हुआ दिख रहा है, आपको बॉडी अपने से दूर जाता हुआ दिख रहा है, आपको बॉडी जो है वो इस पाथ में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बच्चों इसको समझो, ये समझना जरूरी है, तभी जाकर के आप सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ पाओगे, ठीक है। जब रस्सी टूटी थी तो आपकी आंख यहाँ देख रही थी, रस्सी टूटने के बाद पार्टिकल अभी यहाँ पहुंच चुकी है तो आप भी थोड़ा घूम चुके हो, आप भी और थोड़ा घूम गए तो पार्टिकल यहाँ पहुंच चुकी, आप और थोड़ा घूमे पार्टिकल यहाँ पहुंच गई, आप और थोड़ा घूमे पार्टिकल यहाँ पहुंच गई, आप और थोड़ा घूमे पार्टिकल यहाँ पहुंच गई। तो आप जैसे जैसे सर्कल में घूम रहे हो पार्टिकल भी अपना आगे जा रहा है, बट आप क्या समझोगे, पार्टिकल यहाँ थी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे है, मतलब ये जो दूरी है ये दूरी आपको चेंज होते हुए दिख रही है, तो आपको ऐसा लगेगा दैट पार्टिकल आपसे दूर जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा दैट पार्टिकल जो है वो आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि आप भी सर्कल में घूम रहे हो अभी भी कंटिन्यूअसली। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लिया जाता है वो ऑब्जर्वर के तरफ से देखा जाता है, ना कि कोई ग्राउंड पे खड़े आदमी की तरफ से देखा जाता है, ठीक है। अभी कोई आदमी ग्राउंड में खड़ा रहेगा भाई, उसको तो ऐसे सीधा जाता हुआ दिखेगा ना, उसको अपने से दूर थोड़ी जाता हुआ, इसको स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखेगा, बट ये जो आदमी है इसे ऐसा फील होगा दैट ये स्टोन जो है ये इससे दूर जा रहा, मतलब कि सर्कल से बाहर जा रहा है, सर्कल के सेंटर से दूर जा रहा है। और इसको एज्यूम करने के लिए, अपने आप को मनाने के लिए हमें एक यहाँ पर फिक्सियस फोर्स, इमेजिनरी फोर्स कंसिडर करना होगा, और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा इसको, बहुत ही बारीकी से मैंने ये समझाया है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप अपने डाउट्स कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं हर एक का आंसर आपको दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के क्लास में हम लोग देख लेते हैं एक बार और कि हमारा कुछ टॉपिक रह तो नहीं गया है। तो चलो ठीक है, ये लास्ट डायग्राम एक है, मैं इसे भी ले आता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन इस पर भी कर लेता हूँ, आखिर ये है क्या, सॉरी। हाँ तो चलो, ये कुछ नहीं है, ये आप समझ चुके हो, सेम वही चीज है जो मैं पढ़ाया अभी, इसमें वही दिखाया गया है दैट। अभी थोड़ा रुक जाओ भाई, तुम लोगों से बात भी करनी, इतने दूर आए हो तो थोड़ा सा इसको खत्म करके हम लोग थोड़ा बातचीत भी कर ही लेंगे। तो देखो ये स्ट्रिंग है, ये पत्थर है, अभी यहाँ पर ये बंधा हुआ है, सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ कौन दे रहा है, तो टेंशन फोर्स दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो और फिक्सियस फोर्स है। हाँ, लास्ट में मैं फॉर्मूला भी बताते चलता हूँ दैट अगर आपसे कोई पूछ दे बेटा व्हाट इज दिस फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कुछ नहीं, आपको ये लिखना है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, जहां पर m क्या है, मास ऑफ द बॉडी जो सर्कल में घूम रहा था, v क्या है, तो जिस स्पीड से वो घूम रहा था जिस इंस्टेंट पे, जैसे यहाँ पर टूटा है तो यहाँ पर कितना स्पीड है वो लिखना है, आर क्या है, तो रेडियस है जो सर्कल में, जिस सर्कल में वो घूम रहा था उसकी रेडियस है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्मूला आप हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एडवांस बन रहे होंगे तो उनको मैं एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, जहाँ पर ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और रिलेशन होता है वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, वी में और ओमेगा आर में रिलेशन ये होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे बोल से आया कहाँ से, तो आया ऐसे एल इक्वल टू आर थीटा, एल का मतलब होता है लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डीटी, मतलब चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम, ये डीएल बाय डीटी लीनियर वेलोसिटी दे देता है, और चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम ओमेगा दे देता है। तो इस तरह से डेरिवेशन होता है, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं बस फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, और ओमेगा स्क्वायर भी आर भी होता है, हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोगों ने पूरी थ्योरी, पूरी चैप्टर की थ्योरी, जो फोर्थ चैप्टर हमारी है, उस फोर्थ चैप्टर की पूरी कंप्लीट थ्योरी हमने कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई टॉपिक मिस नहीं किया है। अगर मिस किया हो बाय द वे, तो आप कमेंट करके मुझे एक बार जरूर
एनलाइटन कर देना दैट मैंने ये टॉपिक मिस कर दिया है। अब रही बात कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन थ्योरी तो करा दिया सर, क्वेश्चन कैसे करे सर, क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है। तो क्वेश्चन के लिए चिंता ना करो, जैसा इस वीडियो का रेस्पॉन्स होगा मैं वेट करूंगा इस वीडियो का मतलब रेस्पॉन्स देखने का, उसके बाद ही मैं एक कंप्लीट क्वेश्चंस की सीरीज जरूर बनाऊंगा। उसमें जो भी फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके बुक में कोई भी बुक हो चाहे सीएससी सीबीएसई सारे जगहों से ढूंढ कर लाऊंगा और मैं उसको डिस्कस करूंगा, बट वो तभी करूंगा जब मैं इस वीडियो का रेस्पॉन्स देखूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ बच्चों, हमेशा पढ़ते रहो, शांत रहो, घर पर रहो, स्टे होम स्टे सेफ। चलो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज इसे एक थम्स अप जरूर देना। सो थम्स अप मतलब वो तूफानी करते हैं वो वाला थम्स अप नहीं, एक लाइक जरूर देना इस वीडियो को। चलो यहाँ पर मैं आप सब के लिए एक कुछ लिखना चाहता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके चलो बाय।